Okay. So very good morning to all of you. Good morning, ma'am. कैसे आप लोग? मस्त मज्जा. Very nice. I like that. Good. Breakfast तुम लोग वैसे करके आ जाते हो? आज क्या खा के आए तुम? पोहा. मैं रोज खाती हूँ ब्रेक में. ओके नाउ बाकी के बच्चे ब्रेकफास्ट करके आए कि नहीं करके आए? करके आए. नहीं, ब्रेक टाइम में करोगे. ठीक है. ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू. आई थिंक वन बस इज येट टू कम बट दे विल कम इवेंचुअली. कोई बात नहीं है. अब हम कल मैंने आपको क्या सिखाया था? कल अपन क्या सीखे थे? फाइव हेड्स ऑफ इनकम. व्हाट डिड वी लर्न बेटा यस्टरडे? फाइव हेड्स ऑफ इनकम. यस. और आपको याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था? तुम लोगों ने किया क्या? हाँ क्या? अच्छा तो आज भी उसका रेफरेंस कहीं आने वाला है तो हम बात करेंगे उसके बारे में. क्या होमवर्क था मैम? हाँ कि इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. इट कम्स इन विच लिस्ट? यूनियन लिस्ट. यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इट कम्स इन विच लिस्ट बेटा? यूनियन लिस्ट. लेटर ऑन इट इज शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज एवरीथिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट कीप. दे नीड टू शेयर इट ऑल्सो विद द स्टेट गवर्नमेंट. करेक्ट? यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर. सी देयर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम. Now what happens in this five heads of income? You earn income in multiple sources. आप इनकम कैसे भी किसी भी सोर्स से अर्न करो. सैलरी से अर्न करो, बिजनेस से अर्न करो, प्रोफेशन करो, यू नो, और यू अर्न एजेंसी कमीशन. बहुत सारे एग्जाम्पल सीखेंगे हम लोग. और आइडियली यू नो कौन सा इनकम मैम कौन से हेड में जाना चाहिए ये हमको कैसे पता चलेगा? How will I know? You know, my client can do any kind of a business. Client can come up with something very weird and something unique. How do I decide? एवरी हेड ऑफ इनकम के लिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि उसका दरवाजा कैसे खुलता है. सो आपको करना पड़ेगा नॉक नॉक. क्या करना पड़ेगा? नॉक नॉक. फिर हम पूछेंगे हु इज देयर. ओके या एंड देन विल आंसर कि ओके दिस काइंड ऑफ इनकम इफ यू सेटिस्फाई दोज कंडीशंस देन द दरवाजा विल ओपन. डू यू अंडरस्टैंड? तो एवरी हेड ऑफ इनकम आई विल टीच यू दरवाजा कब खुलेगा. तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि अच्छा अब इसका दरवाजा खुलेगा. और अगर मान लो किसी भी फोर हेड्स का दरवाजा नहीं खुला तो आईओएस का दरवाजा हमेशा खुला है. आईओएस का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो आईओएस का दरवाजा जो है वो हमेशा खुला रहेगा. सो वी अंडरस्टूड दिस. सी दीज आर योर फाइव हेड्स ऑफ इनकम. दिस चैप्टर सिक्स से डिडक्शंस आई टोल्ड यू. जैसे आप यू नो इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदना. सी देखो आई टेल यू अगेन फ्यू थिंग्स. इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि गवर्नमेंट है ना कोई सोशल सिक्योरिटी दे ही नहीं सकती है. देर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को बोला जाता है कि यार अब आओ पर्टिकुलर एज आपका रहने का खर्चा हम करेंगे, आपका मेडिकल खर्चा हम करेंगे. मेडिकल इज फ्री फॉर एवरीबडी अबाउ पर्टिकुलर एज फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड ऑल. इन इंडिया कैन वी डू दैट? नो वी कैन नॉट डू दैट. हाउ मच पॉपुलेशन वी आर हैविंग. हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वी डोंट इवन वॉन्ट टू गो देयर. The condition that they are in today, that we will prefer going to a private hospital. So that's not a good thing. But other countries, if you look at the government hospitals, they are absolutely great with all the facilities there. But of course, जो कुछ drawback है, ठीक है, तो government सोचते, ठीक है, हम facility नहीं दे पा रहे, तो चलो इनको कुछ benefits दे देते. हम लोगों को बोलेंगे, आप आपका insurance करवाओ. हम लोगों को बोलेंगे आप मेडिक्लेम प्रीमियम पे करो. सो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपका मेडिकल का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी वगैरह पे करेगी. तो यार इसके लिए हम उनको क्या दे देंगे? बेनिफिट्स. वी विल गिव देम बेनिफिट्स. कैसे बेनिफिट देंगे? उनकी जीटीआई में से वो डिडक्शन माइनस करेंगे तो उनका एनटीआई कम हो जाएगा और उस कम एनटीआई पे उनको टैक्स देना पड़ेगा. यस, तो उनको टैक्स बेनिफिट मिल गया. अगेन माई जीटीआई इन माई एग्जाम्पल यस्टरडे बेटा. या सो एक सेकेंड ना. यस हियर ऑल ओके वर्चुअल स्टूडेंट्स. देर आर सम स्टूडेंट्स इन दिल्ली गुरुकुल. सो इज आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी मी एंड हियर एंड एवरीथिंग इज फाइन. राइट? ओके. सो नाउ हियर देखो यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बोला था? 12 लैक्स. कितना है इनकम? 12 लैक्स. 12 लैक्स से कितना हमने 50,000 का किसी ने प्रीमियम पे किया होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, 50,000 पे किया. तो यार वो माइनस करेंगे. इसको क्या बोलते हैं? डिडक्शंस. ये डिडक्शंस हम सीखेंगे फ्रॉम सेक्शन 80C to 80U. क्या है होते हैं डिडक्शंस? कहाँ से कहाँ तक? 80C to 80U. वी गोना लर्न डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 स्टार्टिंग फ्रॉम 80C to 80U.
Is that okay to everybody? Yes. So from ADC to ATU, we are going to learn certain chapter 6A deductions. Okay. उसके बाद आता है NTI. NTI के ऊपर हम निकालेंगे टैक्स. अब क्या सिर्फ टैक्स होता है? नहीं. टैक्स के बाद आता है सरचार्ज. देयर आर सर्टेन टर्म्स. आज में भी आज हम टैक्स कैलकुलेशन भी सीखेंगे. सो टुडेज लेक्चर इज गोना बी सुपर इंटरेस्टिंग. देयर इज गोना बी सरचार्ज. सरचार्ज सबको नहीं लगेगा. ओके जैसे कि इंडिया में सरचार्ज अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है तभी आपको क्या देना पड़ता है? सरचार्ज. सी दिस इज राइट. आई टोल्ड यू इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. म्हणजे काय? एज इनकम इनक्रीजेस टैक्स इनक्रीजेस. एज इनकम इनक्रीजेस टैक्स इनक्रीजेस. सो दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. वन सेकेंड कि वहां से यू ओपन. इज द डोर ओपन? कैन समबडी जस्ट ओपन द डोर बेटा. अंदर से बंद होगा तो यस वी आर ओपनिंग इट. वो खोल रहे दरवाजा बेटा. दो मिनट वी आर जस्ट ओपनिंग दैट डोर. ओपन. हाँ वी विल ओपन दिस डोर ऑल्सो. गेट इन. ऑल राइट. यस तो मैं आपको बता रही थी कि टैक्स लगेगा बेटा. टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा? जीटीआर पे या एनटीआर पे? टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन एनटीआर. सो वी विल कैलकुलेट टैक्स ऑन एनटीआर. एंड देन इफ योर इनकम एक्सीड्स 50 लाख तो लगाएंगे सरचार्ज. सी ऑब्वियसली इफ मुकेश अंबानी इज अर्निंग मोर इनकम शुडंट ही पे मोर टैक्स? यस. एंड देन यू नो इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो वी हैव स्टडीड. गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि गरीब मतलब अमीरों से लेके गरीबों को देती है. मतलब कैसा करती है? वहाँ पे उनको स्कीम्स देंगे, डिस्काउंट्स देंगे, वैक्सीनेशन फ्री देंगे, बट दे विल टेक एडिशनल टैक्सेस फ्रॉम सब्सिडीज देंगे. यस दे विल टेक एडिशनल टैक्सेस फ्रॉम द रिच पीपल दैट इज हैव्स. यू नो आर एंटायर इन इकोनॉमिक्स वी आर डिवाइडेड इन टू हैव्स एंड हैव नॉट्स. हैव नॉट्स मतलब जिनके पास इतना नहीं है, और हैव्स मतलब जिनके पास सब कुछ है, काफी सारा उनके पास पैसे है, लग्जरीज है, दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड हैव नॉट्स अ पीपल जिनके पास ये सब कुछ नहीं है. ठीक है? ओके. एनीबडी जिसका टैक्स में आज पहला क्लास है? ओके ओके. सो देन यू विल हैव टू जस्ट वॉच. लकीली यू आर एट द राइट टाइम. एटलीस्ट टर्म्स और इंट्रोडक्शन आज हो रहा है तो कुछ नहीं. यूट्यूब के पहले एखाद जो दो लेक्चर्स हुए वो देखने पड़ेंगे, बट यू विल बी एबल टू कोप अप. आज कोप अप कर लोगे. आज अगर मैंने टैक्स स्लैब्स सिखाए तो कल से जो आएंगे फिर उनको फिर से स्लैब्स पढ़ाने पड़ेंगे. ऐसे टाइप्स का है. अभी तक का जनरल इंट्रोडक्शन ही है. कोप अप करने जितना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कम ऑन. सो गेट इन, सेटल डाउन फास्ट. नाउ लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड बेटा. यहाँ टैक्स के बाद आएगा सरचार्ज. ओके दो टाइप के अभी वर्किंग हो गए, ध्यान से सुनना. टैक्स के ऊपर लगेगा सरचार्ज, फिर इसको इसको ऐड करते हैं. इसको बोलते हैं टी प्लस एस. व्हाट इज टी प्लस एस? टैक्स प्लस सरचार्ज. व्हाट इज टी प्लस एस बेटा? टैक्स प्लस सरचार्ज. टी प्लस एस इज टैक्स प्लस सरचार्ज. इज दैट ओके? या. सो सी वी गोना हैव टैक्स प्लस सरचार्ज. ये जो टैक्स प्लस सरचार्ज है इसके बाद एक और टैक्स लगेगा. ओ माय गॉड, कितने टैक्सेस देने? यस. सो फर्स्ट यू विल हैव टू गिव टैक्स, देन देयर विल बी सरचार्ज, देन देयर इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ये इसके ऊपर लगता है. और फाइनली फाइनली आएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी. फाइनली यू विल गेट योर टैक्स लायबिलिटी. ओहो, टैक्स किस पे कैलकुलेट करेंगे? टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन एनटीआई. सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स का अमाउंट. सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स. टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन इनकम एनटीआई. ओहो, सरचार्ज इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स. सरचार्ज इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्स. फिर आएगा टैक्स प्लस सरचार्ज. अब किसकी बारी? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. मैम ये टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, सब आज सिखाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. आज क्या हो रही है आपकी? सिर्फ वी आर कंटिन्यूइंग यस्टरडेज. मुंह दिखाई हो रही है सारे टॉपिक्स की कि ये हम पढ़ने वाले हैं. तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट. टैक्स प्लस सरचार्ज. इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज. इज दैट ओके? यस. एंड देन फाइनली यू विल गेट टैक्स लायबिलिटी. ठीक है? अच्छा, जैसे हमने 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगाया,
कितने अमाउंट के ऊपर सरचार्ज लगाया? 50 लाख। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। 50 लाख GTI या 50 लाख NTI? NTI। हाँ, 50 लाख क्या? NTI। अगर आपका NTI 50 लाख के ऊपर है, ऊपर एक्सीडिंग इक्वल है तो नहीं, एक्सीड्स 50। दिस इज यू नो, ये जो माइनर ये होता है ना, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू डू पेपर सॉल्विंग करते हो। फिर आपको कंफ्यूजन आता है यार कि अच्छा एग्जैक्ट 50 लाख आ गया NTI। तुम बोलते हो अब क्या करूं सर, चार लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं लगेगा व्हेन योर एनटीआई एक्सीड्स 50 लाख। सो देयर विल बी सरचार्ज नॉट ऑन 50 लाख, बट इफ योर इनकम एक्सीड्स 50 लाख। बट इफ योर इनकम एक्सीड्स 50 लाख, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके। उसके बाद यू नो, जैसे 50 लाख के ऊपर के लोगों को हमने एडिशनल टैक्स दिया है, वैसे जिनका इनकम 5 लाख के नीचे है उनको हमने डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? डिस्काउंट, टैक्स में छूट दिया। यार तुम्हारा इनकम 5 लाख ही है ना, चलो कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो उनके लिए टैक्स का वर्किंग कैसे होता है? आप 5 हेड्स ऑफ इनकम निकालोगे। कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड्स ऑफ इनकम। आप 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो भी टोटल है, आपको 5 हेड्स पता चल गया क्या? हाँ, आई विल टेल यू। जो लोग आज ज्वाइन हुए, ये लॉजिक समझ लो कि आप को अगर इनकम अर्न करना है तो कोई जॉब करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई प्रोफेशन, कोई एजेंसी काम, किसके पास प्रॉपर्टी है वो रेंट पे देगा, कोई FD में पैसे रखेगा, कोई शेयर्स खरीदेगा उस पर डिविडेंड मिलेगा, शेयर्स बेचेंगे, कोई प्रॉपर्टी बेचेगा, अलग अलग इनकम होंगे। इनकम टैक्स बोलते हैं फोकस ऑन इनकम, बिकॉज इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम। फोकस ऑन इनकम बिकॉज इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम। सो वी हैव टू फोकस ऑन इनकम एंड देन वी से ओके देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम का टोटल होगा ना बेटा, इस टोटल को बोला जाएगा GTI। क्या बोलेंगे? GTI, टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम, टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। इसमें से माइनस करेंगे, कुछ तो माइनस करेंगे यार, उसको क्या डिडक्शंस अंडर चैप्टर। हाँ मैम, इसमें भी चैप्टर्स होते हैं क्या? हाँ, देयर आर चैप्टर्स इन इनकम टैक्स। ओके, तो PGBP के सारे सेक्शंस का एक चैप्टर, हेड्स ऑफ इनकम का एक चैप्टर है, डिडक्शंस का एक चैप्टर है। तो डिडक्शंस आर वेरी पॉपुलरली एक ऐसा ट्रेंड ही बन गया, उसको बात करते करते ऐसे यही वर्ड हमेशा यूज हुआ, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। सो अपन क्या यूज करते हैं? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। बेटा ये जो डिडक्शंस है ना, दे स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C to 80U। दे स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C to 80U। इज दैट ओके टू एवरीबडी? यस। ये लेस करने के बाद क्या आएगा? इस NTI पे लगेगा टैक्स। अब अगर तुम्हारा इनकम इज बिलो 5 लाख, अप टू 5 लाख, कितने अमाउंट तक? अप टू 5 लाख, टैक्स में से आपको मिलेगा डिस्काउंट। चलो सबके लिए टैक्स का रेट सेम ही रखा है, बट यार चलो तुम्हारा इनकम 5 लाख से कम है तो तुमको क्या दे देंगे? डिस्काउंट। सो यू विल गेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये रिबेट माइनस करने के बाद बची हुई अमाउंट जो टैक्स की होगी उस पर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मैम इधर सरचार्ज नहीं आया। आयो, सरचार्ज किधर आएगा? व्हेन इनकम एक्सीड्स। रिबेट किधर आएगा? व्हेन इनकम इज अप टू। रिबेट विल कम व्हेन इनकम इज अप टू 5 लाख एंड सरचार्ज विल कम व्हेन इनकम इज अबाव 50 लाख। दोनों एक साथ आएंगे क्या कभी भी? नहीं यार, डिस्काउंट किसको दिया है? 5 लाख तक। हाँ, तुम्हारा इनकम 5 लाख तक है, तुमको डिस्काउंट मिलेगा। नो हार्म। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग दैट दे डूइंग? नो, इट्स वेरी मच लॉजिकल यार। अप टू 5 लाख गवर्नमेंट फील्स नहीं, ये कम इनकम है तो यार यहाँ थोड़ा सा टैक्स में इनको छूट देते थे, इनको डिस्काउंट दे देंगे। उस डिस्काउंट को इनकम टैक्स में क्या नाम दिया है? रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। डिडक्शंस फ्रॉम सेक्शन 80C to 80U। डिडक्शंस फ्रॉम सेक्शन 80C to 80U। तो बेटा व्हाट इज आवर सिलेबस? नाउ समटाइम्स आल्सो इट हैपेंस यू नो कि ये जो टैक्स होता है ना, कभी कभी आपको एडवांस में देना पड़ता है। गवर्नमेंट बोलते हैं यार ये टैक्स है ना, हमको थोड़ा एडवांस में दे दो। सो समटाइम्स दिस टैक्स इज पेड इन एडवांस। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है 1,10,000, जो भी आपने वर्किंग कर लिया, यू नो आपने सरचार्ज ऐड कर लिया या रिबेट दे दिया, जो भी जैसे भी आपका इनकम का स्टेटस होगा, वैसे आपने फाइनली यार कभी सेस ऐड किया, कभी सरचार्ज ऐड किया, फाइनली आपने टैक्स लायबिलिटी लेके आ गए। टैक्स लायबिलिटी अगर आपका आ रहा है 1,10,000, आपने अगर उसमें से एडवांस
में पैसे दिए होंगे, क्या दिया होगा? एडवांस टैक्स. सो एडवांस टैक्स आपने 50,000 पे कर दिया, अब आपको कितना पे करना पड़ेगा? अब आपका टैक्स पेएबल क्या है? 60,000. अच्छा मैम, मेरी तो टैक्स लायबिलिटी 40,000 आ रही है और मैंने एडवांस में पे किया, तो आपको मिलेगा रिफंड. तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ. हम सीखने वाले हैं फाइव हेड्स ऑफ इनकम, हम सीखने वाले हैं डिडक्शंस का चैप्टर, आज हम सीखेंगे टैक्स, सरचार्ज, सेस कैलकुलेशन. उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी एडवांस टैक्स कैसे होता है, कब पे करना होता है, रिफंड के क्या रूल्स है, एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं दिया तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट लेगी क्या, ये एडवांस टैक्स का एक चैप्टर है. फिर कभी कभी इनकम की जगह लॉस आ गया तो उसको सेट ऑफ करना है. कल बताया था ना, एक बिजनेस है, ये देखो इधर है, सी. सो बिजनेस वन 5 लाख पॉजिटिव, बिजनेस टू मैंने ब्रैकेट में लिखा है, मतलब इट इज इंडिकेटिंग नेगेटिव, इट इज इंडिकेटिंग अ लॉस. सी, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव इनकम एज वेल एज नेगेटिव इनकम. ऑफकोर्स ऑन नेगेटिव इनकम वी से डोंट पे टैक्सेस. ऑन नेगेटिव इनकम आर वी आस्किंग यू टू पे टैक्सेस? नो नो नो, ऑन नेगेटिव इनकम वी आर नॉट आस्किंग यू टू पे टैक्सेस रे बाबा, बट वी आर सेइंग यू कैन डू एन सेट ऑफ. तो ये 3 लाख का लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट दिस 5 लाख, तो इसको बोलेंगे सेट ऑफ करना. तो इसलिए बिजनेस इनकम कितना आया, लाइव स्ट्रीमिंग वाले, बिजनेस इनकम कितना आया मुझे अमाउंट बताओ जल्दी. 2 लाख. कैसे आया? 2 लाख, 5 लाख पॉजिटिव, 3 लाख नेगेटिव. सो आई गॉट अ बिजनेस इनकम ऑफ 2 लाख. तो मैम कौन सा लॉस किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, कोई लिमिट है या लिमिट नहीं है, कब कब सेट ऑफ कर सकते हैं? तो ये कहाँ सिखाऊंगी? इन द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. कभी कभी आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना, उसको बोला जाता है. किसने बोला है? इनकम टैक्स ने. यार तुम उसको सैलरी दे रहे ना, चमेली को कितनी सैलरी है? 40 लाख. नो नो नो, डोंट पे हर 40 लाख, उसका टैक्स कट कर दो. उसको हाथ में सिर्फ 30 लाख या 32 लाख या 35 लाख, जो भी अभी हम सीखेंगे कैलकुलेशन. सो उसको 35 लाख की सैलरी दे दो, बचा हुआ टैक्स उसका जमा कर दो, ले लो और हमारे पास दे दो. क्यों? इससे कलेक्शन फास्ट होता है. चमेली बोलेगी जाने दो ना, मैं बाद में देती हूँ. गवर्नमेंट को कंट्री चलाने का है, पैसे चाहिए, तो बोलते TDS एम्प्लॉयर तुम सैलरी दे रहे ना, चलो पूरा नहीं देने का, उसमें से टैक्स काट के देने का. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. अयो, योर टैक्स इज डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ द इनकम. व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? सैलरी. सैलरी है तुम्हारा सोर्स है, यहां से तुम इनकम कमा रहे हो. कमाते वक्त तुमको जो पैसे आएंगे उसमें से टैक्स काट के आएंगे. डोंट वरी, वो एडजस्ट हो जाएंगे. जैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर 1,10,000 है, हाँ, जैसे हमने एडवांस टैक्स माइनस किया, सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी 1,10,000. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई ऑल एबल टू सेंड मैसेजेस? देता है इसका मारा नहीं दी सकते थे. एक मिनट बगा. टैक्स लायबिलिटी चमेली की, अगर टैक्स लायबिलिटी इज 1,10,000 और चमेली का TDS कट हुआ है, बेटा कितना TDS कट हुआ चमेली का? 1 लाख सपोज. सो हा ना, मला नाहीच येते ह्याच्यानंतर मेसेजेस नाही आला मला. इथल्या वायफायला हे करता का? एक सेकंड ना. हा लास्ट मेसेज आहे, त्याच्यानंतर येतच नाही आहे. ATC to ATU. अच्छा ये नाही, अभी आपण ये बात कर रहे हैं ना, एक मिनट. हाँ, टैक्स लायबिलिटी कितनी है चमेली की? 1,10,000. मानो अज्यूम कर रहे हैं सब कुछ. और आपका TDS कितना है? 1 लाख. तो आपको अभी चमेली को बचा हुआ टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? टैक्स पेएबल 10,000. सो ऐसे घबराना नहीं कि यार मेरा टैक्स कट गया तो डबल डबल, कुछ डबल डबल नहीं हो रहा है. गवर्नमेंट विल से वी विल एडजस्ट इट. क्या करेंगे? एडजस्ट करें. तुम देखो शॉपिंग करने गए, यू वेंट यू बॉट समथिंग, यू केम होम यू डिड नॉट लाइक इट सो मच, यू से यार जाके मैं एक्सचेंज करके आता हूँ, तो तुम जाते हो, उस दिन स्टॉक नहीं है, तो बोलता है कोई बात नहीं है, हम आपको क्रेडिट नोट दे देंगे.
तो अगली शॉपिंग, अगली बार आप शॉपिंग करोगे तो हम वो पैसे आपके एडजस्ट करें। तो ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट के पास जमा है, हमारी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होगा। अगर टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है तो बचा हुआ आपको पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, आपके गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे जमा है, तो चिंता नहीं करना, गवर्नमेंट क्या कर देगी, रिफंड देगी। इज दैट ओके विद एवरीबडी? सो एडवांस, एम आई समटाइम्स रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, मतलब पे टैक्सेस इन एडवांस? यस मैम। व्हेन, हाउ मच, व्हाट इज द डेट, आई एम गोइंग टू टीच यू इन द चैप्टर ऑफ एडवांस टैक्स। इज देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? यस, एंड देयर इज अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, टीसीएस। ऐसे दो अलग अलग चैप्टर्स है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, और एडिशनल एक दो तीन चैप्टर्स यहाँ वहाँ और भी है तो जो हम पढ़ लेंगे, ठीक है? सो दैट इज आवर इनकम टैक्स का रफली द सिलेबस। ओके, सो वी हैव फाइव हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, झालं का आता? हाँ। सो अमिक, व्हाई डू वी हैव टू पे एडवांस टैक्स? मत जा, वी हैव टू पे एडवांस टैक्स बिकॉज गवर्नमेंट सेज कि हमको भी पैसे पहले ही चाहिए, हम रुकेंगे नहीं। यू हैव टू पे अस टैक्सेस इन एडवांस बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू रन द कंट्री, राइट? दे नीड मनी एंड द मनी कम्स फ्रॉम टैक्सेस। सो दे से यार नहीं, थोड़ा एडवांस तो देना पड़ेगा। इज दैट ओके बेटा? यस। एंड ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस मोर इन डिटेल व्हेन आई कम टू ईच चैप्टर। लाइक आई टोल्ड यू, पीजीबीपी आई विल टेक 8-10 लेक्चर्स, कैपिटल गेन्स 10 लेक्चर्स, सैलरी 8 लेक्चर्स, तो मैं कहाँ से आपको एक दिन में कैसे सब बताऊंगी ना, तो बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले। इज दैट ओके? यस, ऑल राइट। सो वॉट हैव यू रिटन टिल? आपने एनटीआर तक लिखा है क्या? हाँ, आपके यहाँ ऐसा लिखा हुआ है क्या? जीटीआई लेस या डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A? कम ऑन, कंटिन्यू राइटिंग विथ मी नाउ। यस, दिस क्लबिंग ऑफ इनकम ऑल्सो, मैंने बोला ना कुछ चैप्टर्स यहाँ वहाँ के हैं और भी, अभी बताऊंगी धीरे धीरे, है ना? फ्यू मोर टॉपिक्स आई हैव टू इंट्रोड्यूस, आई विल टेल यू। चलो, चैप्टर 6 है। तुम लोगों को होमवर्क मिलना चालू हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। यू नो, स्लोली एंड स्टेडीली ऐसा होगा कि आपको टाइम कम पड़ने लगेगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, बट अगेन यू हैव टू कंप्लीट योर स्लीप बिकॉज 6 to 7 hours ऑफ स्लीप हैज टू बी देयर, बिकॉज लॉन्ग रन में अगर आपको चलना है और रहना है तो यू हैव टू हैव दैट मेनी आवर्स ऑफ स्लीप। देन हाउ डू वी मैनेज? एवरीबडी इज गोइंग टू गेट 24 hours। लर्न टू यूज योर टाइम प्रोडक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लास में कुछ करते करते अगर मैंने होमवर्क बोल दिया, कहीं आपको फ्री टाइम मिल गया किसी लेक्चर, अभी तो नहीं होगा, कभी किसी लेक्चर में जैसे मैंने अगर एक घंटा आज बोला कि नहीं, आई एम नॉट कमिंग एट 8, आई कम एट 9 और समथिंग लाइक दैट, यू गेट टाइम, यूटिलाइज इट वेरी वेरी एफिशिएंटली। और क्लास में तो ध्यान आपको ऐसा देना है कि बस, ऐसा नहीं कि ये पीएल में पढ़ना है। पढ़ाई कब से चालू करनी है? आज से। अच्छा, क्या घर जाके मैम एडिशनल हमको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए? किसी दिन मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा। किसी दिन होमवर्क इतना होगा कि शायद यू विल नॉट गेट टाइम टू रिवाइज। तो इनकम टैक्स के लिए मैं क्या देती हूँ आपको? हेडलाइंस। तो कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या रिवाइज करते रहना है? हेडलाइंस। तो जैसे आज मैं आपको लिख के दूंगी, रिबेट इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A, इफ एनटीआई कितना है, ऐसे सब मैं आज बताऊंगी आपको। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट बात होते मैं क्या करके दूंगी आपको? हेडलाइंस। एंड देन यू मस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग दीज हेडलाइंस। ओके, एक आध दिन अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्लास में पूरा ध्यान देना है। ऐसा हो जाएगा, देखो क्लास में बैठे बैठे समटाइम्स, इवन इफ आई एम अटेंडिंग अ सेमिनार, कहीं तो हम मेंटली यू नो ध्यान हमारा भटक जाता है। यू हैव टू टेल योर सेल्फ, नो नो, गेट बैक, गेट बैक। आपको बार बार आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, नहीं, आई हैव टू डू 100% कॉन्सेंट्रेशन। एंड धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। योर ब्रेन ऑल्सो हैज टू गेट बी ट्रेन दैट वे। यू हैव टू टेल योर सेल्फ, नो नो, आई हैव टू फोकस। ध्यान आपके यहाँ वहाँ चला गया,
pay attention. Tell yourself and pay attention. It is normal. It happens with what you, it will happen. It happens with us also. Even if I am attending a seminar or a conference, कहीं होगा थोड़ा टाइम, कहीं आई एम थिंकिंग अबाउट अरे ये ऑफिस में ये काम है या ये करना है, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन याद आते हैं. तो आपको भी ऐसे ही होगा. सो यू हैव टू ट्राई एंड फोकस, स्पेशली लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, येस, बिकॉज यू नीड अ लिटिल मोर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, येस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. रोशनी पूछ रही है, मैम सैलरी कौन सा कंसिडर करेंगे, आफ्टर TDS और बिफोर TDS? वेरी गुड क्वेश्चन आशीष, बट आई हैव टू कीप इट. उसका जवाब देने के लिए मुझे शायद दो लेक्चर्स के लिए रुकना पड़ेगा, शायद आज नहीं दे पाऊंगी. मैम फिर सैलरी का डिडक्ट करके अदर हेड्स ऑफ इनकम पे तो टैक्स पे करना पड़ेगा. हाँ ना रोशनी, पे करना पड़ेगा बिल्कुल. ओके, यस. नाउ NTI आ गया, चलो लिखते. क्या लिखेंगे? टैक्स एड सरचार्ज इनटू ब्रैकेट लिखेंगे इफ एप्लीकेबल. क्या लिखेंगे बेटा? इफ एप्लीकेबल. व्हाई एम आई सेइंग सरचार्ज इफ एप्लीकेबल? हाँ, बिकॉज मैम सबको सरचार्ज नहीं लगता. सरचार्ज तभी लगेगा इफ इनकम इज अबाव 50 लाख. करेक्ट. यस, इसको क्या बोलेंगे बेटा? टी प्लस एस. कैन आई यूज शॉर्ट फॉर्म्स राइट नाउ इन द क्लास? यस, बट कैन आई यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन द एग्जाम? नो, देयर यू कांट राइट टी प्लस एस. यू विल हैव टू राइट टैक्स प्लस सरचार्ज. तो मैम यहाँ पे क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फटाफट हो जाना चाहिए. एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आएगा एक आधे चैप्टर पे. डू यू अंडरस्टैंड? बट वन चैप्टर आई विल सॉल्व मेनी क्वेश्चन विथ यू, बट यू माइट गेट एक आधा क्वेश्चन. तो फटाफट लिखने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे, एग्जाम में आप यूज नहीं करोगे. यस, डोंट वरी, धीरे धीरे पता चल जाएगा. अब शॉर्ट फॉर्म्स में मुझे क्वेरी नहीं चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग वालों, मैं धीरे धीरे बता दूंगी कौन से अलाउड है अलाउड नहीं है. होल्ड ऑन, ठीक है. टैक्स प्लस सरचार्ज के बाद क्या ऐड होगा बेटा? ऐड HEC. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HEC? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. मैम क्या रेट पे लगता है, क्यों लगता है, क्या होता है, सब बता रही हूँ अभी, दो मिनट. फाइनली क्या आएगा? टैक्स लायबिलिटी. आ गया. लेस क्या करेंगे अपन? TDS. सबके फुल फॉर्म यहाँ पे दे दूंगी, घबराना नहीं. TDS इज इक्वल टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. आप इसका फुल फॉर्म लिखना होगा तो उसकी मार्जिन यूज कर सकते हो, द टॉप मार्जिन एंड राइट इट. ठीक है ना? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लेस करने का, आपने अगर एडवांस टैक्स, और देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक TDS ना, सिमिलर टू TDS. यू नो मैम TDS क्या होता है? कभी कभी आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देते वक्त थोड़ा सा आपका टैक्स का पैसा कट करके पहले ही गवर्नमेंट को जमा कर देता है. तो आपको जो सैलरी है, अगर आपकी 10 लाख सैलरी, तो आपको 10 लाख मिलेंगे क्या? नहीं. आपको मान लो आपका TDS 1 लाख कट किया, तो आपके हैंड्स में कितने पैसे आएंगे? 9 लाख. हाउ मच मनी यू विल गेट इन योर हैंड्स? 9 लाख. यू विल गेट 9 लाख. इज दैट ओके? यस. सो जस्ट लाइक TDS, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ TCS. हाँ, लिखती हूँ एक मिनट. TCS इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. यस, लेस TDS / TCS लिखा ना. ये सब तुम्हारा टैक्स जमा है गवर्नमेंट के पास, इवन एडवांस टैक्स. तो मैम व्हाट इज TDS, व्हाट इज TCS? मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TDS एंड TCS? बेटा मेरे को पूरा एक लेक्चर लगता है उसके लिए, समझे क्या? ये चैप्टर्स के नाम है जो आपको बता रहे कि ये सीखना है हमें, इसीलिए तो बता रही हूँ, क्योंकि पूरा डिटेल में सीखना है. समझ में आ रहा है? रिमेंबर दिस इज अ मूवी. कैन यू अंडरस्टैंड द मूवी इन फर्स्ट 10 मिनट्स? नो. अपना मूवी तो कितना लंबा चलने वाला है,
3.5 months. Do you understand that? End of 3.5 months, it will be. हाँ, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एकदम, और सब अच्छे से आपको याद भी रहेगा. ठीक है? यस. चलो, एडवांस टैक्स एंड देन देर कैन बी आइदर टैक्स पेएबल, और आपने अगर ज्यादा पे कर दिया होगा तो आपको रिफंड मिलेगा. चेतना, पीएफ के बारे में अभी नहीं बात करेंगे, है ना? पीएफ के बारे में बेटा अपन सैलरी के चैप्टर में बात करेंगे. आइदर टैक्स पेएबल और रिफंड, करेक्ट? ओके. नाउ यहां तक लिख के हो गया? यस. yes. लिखो, इफ इफ एनटीआई इज अप टू 5 lakhs, लिखो. नवंबर 22 लेक्चर्स रागिनी आर फॉर नवंबर 22, दे आर नॉट फॉर मे 23. यू विल हैव टू वॉच माय अमेंडमेंट लेक्चर फॉर मे 23. नॉट मेनी अमेंडमेंट, सो नीड नॉट वरी. ओके? यस. इफ एनटीआई इज अप टू, राहुल रुक जा ना जरा, वो इच कर रहे अपन. इफ एनटीआई इज अप टू 5 lakhs, अब रिबेट आने वाला है बेटा. हाँ, दर्शन की क्या क्वेरी है? दर्शन रुक जा, क्वेरी बहुत लंबी है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, रुक जा जरा. एनटीआई इज अप टू 5 lakhs, लिखो. एनटीआई इज अप टू 5 lakhs तो क्या होएगा, लिखो. पहले क्या आएगा? एनटीआई. एनटीआई के बाद में क्या आएगा? टैक्स. यस. जिनका जिनका एनटीआई कितना है बेटा? 5 lakhs है, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट. गवर्नमेंट ने क्या दिया है आपको? डिस्काउंट दिया है, टैक्स में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया है. ओके. सो लेस रोशनी, टीडीएस, टीडीएस होता है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स है तो ऑब्वियसली बोथ आर डिफरेंट. इज टीडीएस डिफरेंट? यस. इट एडवांस टैक्स डिफरेंट? यस. रोशनी प्लीज होल्ड ऑन, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल, डोंट डिस्टर्ब द फ्लो. यू आर गेटिंग क्वेरीज, नोट इट डाउन एट द एंड, लास्ट 10 मिनट्स आई विल टेल यू. अगर क्वेरी ओके है तो आई कैन इनफैक्ट कवर इट अप इमीजिएटली, है ना? ठीक है. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. रिबेट क्या करेंगे? माइनस, तो बचा हुआ टैक्स. इस टैक्स के ऊपर क्या ऐड करेंगे? HEC. एंड फाइनली यू विल गेट योर टैक्स लायबिलिटी. ओके. दर्शन, मैम व्हेन एम्प्लॉयज डिडक्ट माय सैलरी एंड पे टैक्स? दर्शन, यू विल अंडरस्टैंड बेटा दिस क्वेरी, इट विल गेट कवर्ड, डोंट वरी. टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में से अपन क्या माइनस करेंगे? इधर भी लेस टीडीएस, टीसीएस, लेस एडवांस टैक्स. फाइनली क्या आएगा? आइदर टैक्स पेएबल और रिफंडेबल. टैक्स पेएबल और रिफंडेबल. ओके. जिनके जिनको मैं आंसर करती हूँ तुरंत मुझे चैट पे थम्स अप दे देने का. एवरीबडी शुड डू दैट. ठीक है? यस. तो बेटा, मैम टीडीएस क्या होता है? कोई और मेरा टैक्स कट करता है. और एडवांस टैक्स क्या होता है? हम खुद से पे करते. एडवांस टैक्स क्या होता है? हम खुद से जाके एडवांस में पे करते हैं. और टीडीएस क्या होता है? कोई और मेरा टैक्स कट करता है. टीडीएस मैम, उसको एम्प्लॉयर को कैसे पता कब कट करना है? क्योंकि रूल्स है. एम्प्लॉयर को कौन बताएगा? उसका सीए बताएगा. कौन बताएगा? उसका सीए बताएगा. तो सीए विल टेल कि आर यू आर डूइंग बिजनेस, तेरे को टीडीएस कट करना पड़ेगा, ये रूल्स होते हैं, ये सब फॉलो करना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड? सो ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस द सीए विल एक्सप्लेन टू हिज और हर क्लाइंट. ठीक है? यस. नाउ सो मैम, टीडीएस क्या रेट से कट होता है? एडवांस टैक्स कब पे करना है, कैसे पे करना है, ये कहाँ सिखाऊंगी? इन द चैप्टर ऑफ टीडीएस, इन द चैप्टर ऑफ
एडवांस टैक्स. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द इंडेक्स. जो अच्छा बुक्स आपको क्या आज आपको फिजिकल रिसीट मिल गई है क्या? आज आपको आई थिंक फिजिकल रिसीट मिलेगी, तो उसके बाद आपको बुक्स यहाँ पे देना चालू करेंगे. नाउ इफ यू लुक एट दीज इनिशियल पेजेस, रोशनी यू ऑल्सो हैव टू गिव मी अ थम्स अप एंड भूषण, ये TDS के रेट में पता चलेगा. ओके, TDS का रेट्स क्या होता है TDS के चैप्टर में पता चलेगा. लग सकती है. ओके, हियर इज योर चैप्टर इंडेक्स. पहला क्या चल रहा है अभी अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर इनकम फ्रॉम सैलरीज, दिस इज आर हेड्स ऑफ इनकम. तो देखो क्या चैप्टर है, इनकम फ्रॉम सैलरी. उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. फिर क्या है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. उसके बाद कैपिटल गेन्स. उसके बाद अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चरल इनकम. मैम एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अपन लिखेंगे एक हेडलाइन. ओके, हेडलाइन क्या होगा, एक मिनट पहले सुन के लेना, पहले मैं क्या बता रही हूँ. एग्जम्प्ट इनकम्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 10. सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑलवेज टॉक्स अबाउट एग्जम्प्ट इनकम. तो किसी ने बोल दिया कि सेक्शन 10 क्या है, तो सेक्शन 10 क्या होता है, हमेशा सेक्शन 10 में सारे जो इनकम्स एग्जम्प्ट होते हैं. मैम एग्जम्प्ट मतलब क्या, आपको पता 60+ मार्क्स मिले किसी सब्जेक्ट में तो आपको एग्जम्पशन है, मतलब आपको छूट मिल जाती है. यू डोंट हैव टू गिव दैट पेपर अगेन. तो यहाँ छूट मिलना, एग्जम्पशन मिलना. तो वैसे ही बेटा अगर आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि ये एग्जम्प्ट इनकम है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जम्प्ट इनकम? एग्जम्प्ट इनकम मीन्स इनकम ऑन विच यू नीड नॉट पे टैक्स. व्हाट इज एग्जम्प्ट इनकम? इनकम ऑन विच वी डू नॉट हैव टू पे टैक्स. एंड एग्जम्प्ट इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. एग्जम्प्ट इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. एग्जम्प्ट इनकम कवर होता है सेक्शन 10 में. ओके, हेडलाइन लिखो. चलो मैम हेडलाइंस में आगे ब्लैंक पेजेस है. अरे लिखो ना, सब भर जाएंगे अभी अपने, कुछ चिंता नहीं करने का. मैंने बोला ना क्वेश्चंस क्या चैप्टर वाइज आते हैं क्या? नॉट एट ऑल. क्वेश्चंस कैसे आते हैं? कॉन्सेप्ट बेस्ड. तो कौन सा भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी हेडलाइन हो, इंटर रिलेटेड होता है टैक्स के चैप्टर्स. All tax chapters are interrelated. And I'll again tell you, कौन सी चीज किस टाइम पे बताना है ये टीचर डिसाइड करेगा. इफ आई नो लॉट ऑफ थिंग्स, आई नो दिस एंटायर टैक्स, बट इफ आई थोड़ा सा भी किसी की क्वेरी को मैंने मुझे लगा कि नहीं नहीं यार चलो बता देती हूँ ना, इट विल बी नॉट गुड फॉर यू. ओके, वाई? इफ आई गिव यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एट रॉन्ग टाइम. एज पेरेंट्स ऑल्सो, वॉट डू योर पेरेंट्स डू विद चिल्ड्रेन? की नहीं, ड्राइविंग की एक एज होती है तभी लाइसेंस मिलेगा. इंटरनेट का कनेक्शन आपने कब देखना चाहिए, मोबाइल कब हाथ में आना चाहिए, हर चीज के लिए एक एज होती है कि नहीं, है ना? तो अगर आपने यू नो इफ यू गिव देम ड्राइविंग, आपने उनको चालू कर दिया पहले से, इज इट गुड? नो, इट्स नॉट गुड फॉर यू. सो सिमिलरली, वॉट हाउ मच आई हैव टू टेल यू, वेन आई विल डिसाइड. एंड दिस आई हैव अंडरस्टूड ओवर माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स. तुम्हारी एज कितनी है? 2+ इज माई टीचिंग एक्सपीरियंस. वॉट इज माई टीचिंग एक्सपीरियंस? 20 ईयर्स. आई क्वालिफाइड इन विच ईयर? 2002. आई गेव माई एग्जाम इन नवम्बर 2001. द रिजल्ट कम्स इन जनवरी 2002. सो जैन 2002 आई क्वालिफाइड. मे 2002 आई गॉट माई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ओके, यस. हाउ डिड आई स्टार्ट टीचिंग? माई जूनियर आर्टिकल्स, आई यूज टू ऑलवेज लाइक टैक्स. मतलब मैंने जहाँ आर्टिकलशिप करी तो मुझे वहाँ पे टैक्स से रिलेटेड मेरे जो प्रिंसिपल, बिग फर्म वेयर 5 or 6 प्रिंसिपल्स वर देयर, सो आई वॉज अंडर द प्रिंसिपल जिनके अंडर थी, उनके यहाँ टैक्स रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा था. सो आई इमिजिएटली फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है. तो बिफोर इवन लर्निंग टैक्स आई हैड फिनिश डूइंग सो मच ऑफ टैक्स रिलेटेड वर्क. सो जब मैं क्लासेस अटेंड करने लगी टैक्स रिलेटेड, तो क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी था, आई वॉज एंजॉइंग लर्निंग दैट सब्जेक्ट.
And I had actually practically done what was being taught. So I could relate to it, I could understand to it. So I used to always enjoy tax, and students used to, like my juniors, main jaise hi qualify ho gaye, they were like, yeah, tax is very difficult. So I said, no, it's easy, it's very nice, I'll teach you. So I just started teaching them a few articles from my juniors from my firm started coming, and I started teaching them, and then it just started from there. You know, so that is how it is. So please understand, as a teacher, I know if I want to show off what I know today and not, नहीं मैं पूरा बता देती हूँ आज ही TCS क्या है, TDS क्या है, वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा. एक ही दिन अगर मैंने आपको छोटे बच्चे को, जैसे हम खाना स्टार्ट करते हैं, वील स्टार्ट विद दाल चावल, इफ आई स्टार्ट गिविंग यू बिरयानी एंड आई स्टार्ट गिविंग यू समथिंग लाइक दैट, क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन, देन यू विल स्टार्ट नॉट लाइकिंग द सब्जेक्ट. आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. किसी भी सब्जेक्ट का अगर फियर बैठ गया ना बेटा, वो निकालना बहुत मुश्किल है. मेरा काम है कि आपको इस सब्जेक्ट का कॉन्फिडेंस दिलवाना, दैट यू शुड से नो, इवन इफ इट इज वास्ट, इट इज इजी, इट इज स्कोरिंग, वी कैन मैनेज इट. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो वेन एवर आई से कि रुक जाओ, इसके आंसर अभी नहीं दूंगी, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, सो नो हार्ड फीलिंग्स. ऐसा नहीं कि मैम ने मेरे क्वेश्चन का तो जवाब नहीं दिया, इसका दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ऑल राइट. सो हियर हेडलाइंस हम लिख रहे हैं, हेडलाइंस लिखेंगे, इनकम, नो वन मिनट, नहीं इनकम नहीं बोलेंगे, क्या 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 पूरा लिखवा के काट के 10 बार लिखने को लगाऊंगी मेरे क्लास में. ओ हाँ, मच मच किया तो समझा ना. हाँ चलो, एग्जाम तो इनकम पे देना है ना. अच्छा ठीक है, इनकम से ही करते हैं. इनकम ऑन विच, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज टू बी पेड इज इक्वल टू, इक्वल टू साइन देना, इनकम ऑन विच, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज टू बी पेड इक्वल टू, इक्वल टू साइन दे दो. उसको क्या बोलेंगे ऐसे इनकम को? एग्जम्प्ट इनकम इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं ऐसे इनकम को? एग्जम्प्ट इनकम, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेड और पेएबल इज इक्वल टू एग्जम्प्ट इनकम. इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन. अच्छा, अंडर सेक्शन कैसे लिखते हैं? यू ऑब्लिक एस. सो इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. बरोबर. नेक्स्ट हेडलाइन, व्हेन आई से नेक्स्ट हेडलाइन मींस नेक्स्ट पेज. डू यू अंडरस्टैंड? इवन इफ द पेज इज ब्लैंक चलेगा, हेडलाइन नहीं लिखा तो. हाँ, यू हैव टू फॉलो ऑल माय इंस्ट्रक्शंस इन द क्लास. डू यू अंडरस्टैंड? यस. नेक्स्ट हेडलाइन, रागिनी, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन माय नंबर, यू आर अ पीडी स्टूडेंट, यू ऑलरेडी हैव माय नंबर. लेक्चर ध्यान से देख बेटा, उसमें ऑलरेडी ये नंबर्स हर लेक्चर में, आफ्टर एवरी फ्यू डेज आई कीप ऑन गिविंग दिस नंबर. देर इज अ ग्रुप ऑफ टेलीग्राम फॉर PDGD. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्वेरी सॉल्विंग, सो ओवर हियर आई डू क्वेरी सॉल्विंग. ठीक है, चलो गेट इन, गेट इन. एंड वन मोर थिंग, बाय चांस अगर आपको टैक्स के लेक्चर में कभी लेट हो जाता है फॉर सम रीजन, कम, इवन इफ यू कम लेट, यू कम, यू ऐसा नहीं कि मैं बीच में कैसे जाऊँ. बिकॉज लेक्चर कितने घंटे का है? 3 आवर्स. एंड देन इफ यू मिस आउट ऑन 3 आवर्स, उसको कवर अप करना बहुत ही मुश्किल है. तो आई विल नॉट से, आई विल नॉट शाउट कि क्या यार इतना लेट क्यों आया. तुम आए ना, एटलीस्ट चलो एक क्लास, एक घंटे की क्लास छूट गई तो आगे 2 घंटे की तो क्लास हो जाएगी. तो ये डरना नहीं कि मैम बीच में कैसे आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज कम, डोंट मिस क्लासेस. डू यू अंडरस्टैंड? इवन इफ यू गेट लेट, नो प्रॉब्लम, कम, ट्राई नॉट टू गेट लेट, बट ऑन अ पर्टिकुलर डे कुछ हो गया तो प्लीज आ जाओ. सेम अप्लाइज फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, यस. Now, let us understand here. Next, I was giving you another headline, no? Haan, so, likho, agricultural income is exempt from tax. Agricultural income is exempt from tax under section 10.1. First number kiska aata hai? Agriculture ka. Agricultural income is exempt from tax under section 10.1. 10 बेटा, ओनली सेक्शन 10 आशीष. एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10.1. मतलब एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, फिर भी उसका एक चैप्टर है. क्यों?
There is some reason for it. Okay, so we are going to learn a chapter which is on agricultural income. अब दूसरे chapter का नाम क्या है? Residence and scope of total income. You know ना, he's a NR, non-resident. इंडिया में नहीं रहता है यार, वो इंडिया में नहीं रहता. सी देखो, हु इज अ रेसिडेंट जो मैक्सिमम टाइम इंडिया में रहता है, हु इज अ एनआर जो मैक्सिमम टाइम इंडिया के बाहर रहता है. विदेश रूल्स टू डिसाइड कि हाउ विल यू बिकम अ रेसिडेंट, हाउ विल यू बिकम अ नॉन रेसिडेंट. मैम ये क्यों सीखना है? देखो कोई नॉन रेसिडेंट है लेकिन उसने आके इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी है. ही केम टू इंडिया फॉर फ्यू डेज, ही लाइक्ड अ प्रॉपर्टी, ही बॉट इट, ही गेव इट ऑन रेंट. या ही लाइक्स इंडिया, उसने होटल स्टार्ट किया यहाँ पे, ही स्टार्टेड अ बिजनेस इन इंडिया, प्रॉपर्टी खरीदी रेंट पे दे दी, होटल इनकम चालू कर दिया, होटल बिजनेस चालू कर दिया यहाँ पे. वो इंडिया के बाहर जाता है, एजेंट है या कभी साल में 10-15 दिन आके देख के चला जाता है. इज ही अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया? शुड ही पे टैक्स इन इंडिया? यस मैम, ये तो हम बिना टैक्स पढ़े भी बोल सकते हैं, लॉजिक के बेसिस पे, कॉमन सेंस यूज करने का, कि लॉजिक यूज करने का हमेशा. जी पहले अपना लॉजिक यूज करने का, फिर देखने का कि मेरा लॉजिक एक्ट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, तो लॉजिक क्या बोलता है यार? इट्स लॉजिकल, इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम माय कंट्री, यू बेटर टैक्स पे, यू बेटर पे टैक्स इन माय कंट्री, यू बेटर पे टैक्स इन माय कंट्री. यू अर्निंग फ्रॉम माय कंट्री राइट, सो यू बेटर पे टैक्सेस इन इंडिया. इज देयर समथिंग रॉन्ग इन दिस? आयो, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? नो. श्योर? यस. सो हम सीखने वाले हैं कि एनआर को इंडिया में कब टैक्स पे करना होता है, इंडियन इनकम अर्न करने पे करना होता है, व्हाट इज इंडियन इनकम, ये सब हम रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में सीखने वाले. उसके बाद है इनकम ऑफ अदर पर्संस. आई विल टेल यू, माइनर आपने सीखा है, क्या सीखा है माइनर के बारे में? माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ ही एंटर्स इन टू इज वॉइड एब इनिशियो. सीखा है ना? तो माइनर इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट. चलो माइनर का कुछ इनकम है तो पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब करेंगे. क्लब करना मतलब किसी और का इनकम ऐड कर देने का. तो माइनर अगर कुछ इनकम अर्न करता है तो हम किसके हैंड्स में क्लब करते थे? पेरेंट्स के हैंड्स में. ऐसे क्लबिंग, इसको क्या बोलते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम. क्या बोलते हैं इसको? क्लबिंग ऑफ इनकम. आइयो, क्या बोलते हैं इसको? क्लबिंग ऑफ इनकम. किसी और का इनकम अपने हैंड्स में ऐड करना, इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम. तो ऐसी सिचुएशंस है, 9 सिचुएशंस है जब इनकम क्लब किया जाता है, वो एक चैप्टर है. राइट, देन सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, ये आपको बताया है ना कि लॉस होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सेट ऑफ ऑफ लॉसेस. उसके बाद रिटर्न फाइलिंग, कि रिटर्न फाइलिंग, आई टोल्ड यू ना, आपको एज अ टैक्स पेयर आपको दो चीजें करनी होती है. क्या दो चीजें करनी है? हाँ, आपको इनकम टैक्स पे करना होता है और रिटर्न फाइल करना होता है. तो रिटर्न फाइलिंग की क्या डेट है, कौन सा फॉर्म है, कब फाइल करना है, किसको कंपलसरी है, वो रिटर्न्स के चैप्टर में. डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई, व्हाट आर दीज डिडक्शंस? चैप्टर 6A डिडक्शंस. ये डिडक्शंस कहाँ से माइनस होते? जीटीआई. जीटीआई कहाँ से आता है? 5 heads ऑफ इनकम. 5 heads का टोटल जीटीआई. जीटीआई में से माइनस, फिर NTI, फिर टैक्स, फिर सरचार्ज, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन, फिर एडवांस टैक्स, TDS, TCS, फिर टैक्स पेएबल. ओके, फिर मज्जा. नाउ कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल. ठीक है, एडवांस टैक्स का एक चैप्टर है, टैक्स डिडक्शन, टैक्स कलेक्शन, ये एक चैप्टर है. इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम माने एग्जम्प्ट इनकम. कौन से इनकम पे टैक्स नहीं लगता? एग्जम्प्ट इनकम. एंड ये सारे इनकम कवर होते हैं अंडर सेक्शन 10. सेक्शन 10 खास करके इनकम टैक्स का एग्जम्प्ट इनकम के लिए बनाया गया है. ओके, आर यू ऑल ओके विद दिस? ये क्या किया मैंने अभी? आई यो, टैक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट. अकाउंट्स में यू नो द डेबिट एंड क्रेडिट, यू नो द रूल्स. टैक्स यू डोंट नो एनीथिंग, आई हैव टू इंट्रोड्यूस लाइक दिस, कि देखो ये पढ़ने वाले हैं, ये ऐसा होता है, फिर एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगी. इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. एवरी डे आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू टर्म्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स. झेपरा क्या ये? हाँ ठीक है, ऑल राइट. नाउ व्हाट वी विल डू, अपन कुछ लिख के लेते हैं. चलो, कोई यहाँ पे है जो बच्चा आके एक बार
ये लोग कहाँ गायब हो गए? कोई आके सिर्फ ये फॉर्मेट एक बार यहाँ पे आके बोलेगा, फाइव हेड्स ऑफ इनकम जीटीआई। घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, आई विल हेल्प यू आउट, है ना? सो एनीबडी हु विल कम हियर, तू आएगा? आजा, रुक मैं अमर को बुलाती हूँ, माइक देगा वो अपने को। हाँ, यू कैन रीड इट, कीप योर बुक हियर इन केस यू फॉरगेट, यू कैन जस्ट रीड इट आउट, है ना? कम, देर इज अ टू वे थिंग ऑल्सो दैट वी विल डू विथ लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स। आप लोग भी वीडियो कॉल के थ्रू यू कैन कम एंड यू नो दी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो सी यू, मे बी कल या परसो आई विल इम्प्लीमेंट दैट काइंड ऑफ अ फीचर। माइक है क्या रे बेटा उधर? माइक माइक अच्छा बोलता है, ठीक है, आ जा इधर आ जा। चल अभी तू क्या बोलने वाला है हमको? फाइव है जीटीआई एनटीआई, कम कम स्टैंड हियर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द टैक्स कैलकुलेशन। ओहो, देयर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम। हां, फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड वाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज हेल्प हिम, हां, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। Total is, wait, now let him tell. Haan, bol. And total of this is known as gross total income, also known as GTI. Then deductions under chapter 6A, and then is NTI, net taxable income. After there is such tax. If the tax If income exceeds 50 lakhs. Haan. If the income exceeds 50 lakhs, there is a surcharge applicable on that, and if not, no surcharge. And if income is less than 5 lakh, there is a rebate. हाँ, correct है। अभी तू surcharge वाला आगे का continue कर कि tax, फिर अगर surcharge add हो गया तो कैसा होगा? If tax is surcharge is added, then it will be tax plus surcharge. Correct. And then instruments income. Then health and education says. Correct. And finally you will get your tax liability. हाँ, इससे क्या minus करेंगे? If there is advance tax. And if there is a tax deducted at source or tax collected at source, it will Very be deducted. Good. Very good. And then we will have the tax liability. Tax. Haan, payable. Tax payable. Or tax liability. Very good. Very good. See? Very nice. Very good. So like this you have to come here. Aapka stage fear bhi darna nahi hai aapko. Aapne try karna hai. And we are all friends. We are all in the same team, right? Do you understand that? Nobody is against anybody. We are all here together. You ask your queries. Don't hesitate. Darna nahi hai. Aapko kuch bhi doubt hai toh main kya bolungi? At the most, abhi nahi beta. Ye baad mein solve ho jayega. Aur kya hone wala hai? Koi darne wali baat hai kya? Nahi. So don't get scared. Okay? So like this you should participate in the class. Even class mein baithe baithe jab main bolti kuch repeat karo, तो रिपीट करना है। आप जब जोर से बोलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और आप जब सुनते बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं होता है। सो यू मस्ट पार्टिसिपेट, इज दैट ओके? यस, लवली, ओके। तो ऐसे कोई ना कोई आके कोई ना कोई कुछ कॉन्सेप्ट या कोई क्वेरी पूछ ही सकता है। हाँ बोलो बेटा। यस, हाँ, स्टेट लिस्ट में कौन सा आता है? टैक्सेस, आई टेल यू। ओके, सिट डाउन। हाँ, मैं बोलती हूँ ना, अब बैठ जा। हाँ, ऑल राइट, नाउ लिसन। फर्स्ट, इनकम टैक्स कम्स अंडर विच लिस्ट? तो बस एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के ऊपर अलग से अगर गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है तो वो स्टेट लिस्ट में आएगा, नॉट इनकम टैक्स। ओके, सो स्टेट्स के लिस्ट में आता है टैक्सेस अदर देन, मतलब टैक्सेस ऑन एग्री। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना है इनकम टैक्स को छोड़ के, तो कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि किसी ने लगाया नहीं है इनिशियली, महाराष्ट्र स्टेट ने और एक हद और दो स्टेट्स ने लगाया था बीच में कुछ दिनों के लिए, फिर आपको पता है वोट बैंक, फिर इलेक्शंस, देन यू कांट डू दैट। So that is why then that was never levied, and today also there is no tax. Okay, income tax. इनकम टैक्स हमेशा कौन लगाएगा? तो वो सेंट्रल की ही लिस्ट में आता है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं बोला तुम इनकम टैक्स इस इनकम पे लगाओ, इस पे नहीं लगाओ, ये तुम्हारा नहीं है। नहीं, इनकम टैक्स इज ऑलवेज बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स विल ऑलवेज बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दे कैन ओनली मेक द रूल एंड दे कैन ओनली डिसाइड। क्वेरी सॉल्व बेटा?
Okay. Now let's go ahead and understand. See, I told you one thing. आपको याद है कल मोदी जी और केजरीवाल का मैंने आपको पिक्चर दिखाया था? हाँ. So I had showed you this part. Yes. So where we understood Modi ji is representing central government and Kejriwal is representing state government. Correct. Now, नहीं बेटा, एग्री टैक्स स्टेट के पावर में नहीं है. देर इज अ मेंशन इन द लिस्ट विच सेज टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर. तो एग्री पे और कोई टैक्स लगाना हो तो स्टेट लगा सकते हैं, लेकिन लगाया है क्या? नहीं. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनकम टैक्स लगाया है क्या? नहीं. हमने क्या कर दिया? उसको एग्जम्प्ट कर दिया. हमने क्या कर दिया है? एग्जम्प्ट कर दिया. ओके. नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के ऊपर कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन. हु इज अबाव दीज टू? Constitution. So all powers are coming to levy tax from Constitution. So few articles from the Constitution मैं आपको अभी लिखवा के दूंगी. Exam से ये कोई एक आध ही आर्टिकल रेलेवेंट होगा तो मैं उसको टिक करके दूंगी कि ये वाला एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको लर्न करना पड़ेगा. बाकी के आर्टिकल नंबर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो राइट डाउन इन द नोटबुक सम आर्टिकल्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, सम आर्टिकल्स फ्रॉम Constitution. सब पढ़ा के हो गया इसमें से आपको? सिर्फ मैं आर्टिकल नंबर दे रही हूं आपको. एग्जाम व्यू पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है उसको टिक करूंगी, उतना ही लर्न करना है. अगेन CA इज स्मार्ट स्टडी. I'm again telling you, it's very vast. You should know किस चीज पे कितना टाइम देना है. और ये आपको कौन बताएगा? मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ICAI की मॉडल में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, किस पे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है. दोनों मतलब कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम. ध्यान में आ रहा है सबको? यस. चलो, सम आर्टिकल्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन राइट डाउन. आर्टिकल 265. No tax shall be levied or collected without authority of law. अराउंड 9:30, 9:40 आई स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल पार्ट. टिल देन अ लिटिल थ्योरी पार्ट जो मुझे लेना है थोड़ा लेके आई स्टार्ट विथ व्हाट आज टैक्स रेट्स एंड टैक्स कैलकुलेशन. ओके. यस. बीच में लगा तो नहीं तो थोड़ा एक PPT भी है वो भी दिखा दूंगी. ठीक है. चलो, आर्टिकल क्या है? 265. नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ. इज दैट करेक्ट? आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी. कैन केजरीवाल कम एंड से आई एम लेविंग अ कोविड टैक्स? Who gives him authority? Constitution. So he must have authority from the Constitution. So no tax can be levied or collected without authority of law. माने क्या होना चाहिए? एक act होना चाहिए, parliament ने उसको pass करना चाहिए, तभी आप लगा सकते हो. क्या ये मैंने आपको सिखा दिया already? Yes. Okay. Do you have to remember this article number? No. Do you have to remember this article number? No. जहां याद करना है मैं उसको टिक करके दे दूंगी. ठीक है. Yes. अगला आर्टिकल लिखो. आर्टिकल 123. President can make ordinance. President क्या बना सकता है? Ordinance. Do you have I already taught you this? Yes. Act का ही एक हिस्सा होता है ordinance. Ordinance कब बनता है? जब parliament काम नहीं कर रही है लेकिन emergency में आपको कुछ decision लेना जरूरी है. Is that okay? Yes. Do you have to remember this article number? No, no, don't waste. We have better things to do. We have important sections to learn. We'll use our energy and efforts there. ठीक है? आगे. Article 245. Parliament shall pass the law
एंड इफ इट इज द पार्लियामेंट, व्हेन आई यूज द वर्ड पार्लियामेंट आई ऑलवेज मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, द यूनियन गवर्नमेंट. इट मेक्स लॉ कहाँ के लिए? फॉर होल ऑफ इंडिया. हैव आई टॉट यू दिस? कोई ऐसी चीज है यहां से हमने नहीं सीखी है? हमको पता है मोदी जी जब इनकम टैक्स लगाएंगे इट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ द कंट्री, होल ऑफ इंडिया. एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन मेक, इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट. सो अगर केजरीवाल जी को कोई भी टैक्स लगाना है तो वो कहां लगा सकते हैं? दिल्ली में. तो आता है फिर आर्टिकल 246. ये मैंने आपको दिया था. यहाँ पे होता है एक शेड्यूल 7. इसमें कितनी लिस्ट दी गई है? 3 लिस्ट. हाँ, नाउ दिस आर्टिकल 246 यू कैन लर्न बिकॉज यू कुड गेट एन एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन दिस. आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट. डू यू रिमेंबर दिस 3 लिस्ट? क्या है? यूनियन लिस्ट और क्या रे? स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. कौन? यूनियन म्हणजे किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट. और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वेयर बोथ कैन लेवी. बट कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स का आइटम है क्या? नहीं. पक्का? देन आर्टिकल 246 एक किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? जीएसटी. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये जब जीएसटी सिखाऊंगी तब फिर से वहां पे ये लिखवा के दूंगी. करेक्ट? हाँ. और एक मिनट. हाँ, यहाँ पे अगर स्पेस होगा तो यूनियन लिस्ट में इनकम टैक्स क्या एंट्री पे है? हाँ, तो यहाँ पे इनकम टैक्स 82. ये भी इंपॉर्टेंट है. ये भी आपको लर्न करना है. 82 एंट्री नंबर. नंबर ऑफ सेक्शंस बेटा. ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है. 298 ये इनकम टैक्स के सेक्शंस है. सौरभ बेटा, ये 298 इनकम टैक्स के सेक्शंस है. ठीक है? कम ऑन, वेरी वेरी इंटरैक्टिव क्लास आई वांट इवन फ्रॉम लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स. आर्टिकल 246 ए के तहत क्या लेवी किया हमने? जीएसटी. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल. ये बोलता है कि जो भी टैक्स इज कलेक्टेड, पता है ये जो टैक्स होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है. कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नाउ ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इसका शेयरिंग होगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो इसका मतलब है टैक्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सो जो इनकम टैक्स है जो कलेक्ट किया जाएगा इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सीजी एंड एसजी. अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था कि बेटा इनकम टैक्स कितना हम पे करते हैं. आपको किसी को परसेंटेज आइडिया है क्या? हाँ बोल. करेक्ट. ओके, यस, एनीबडी एल्स? बोलो ना. 29-32%. नाउ व्हाट हैपेंस आई टेल यू. ये कितना देना चाहिए? दिस इज टू बी डिसाइडेड. टैक्स शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सीजी एंड एसजी एज पर फाइनेंस कमीशन. कौन? एक कमीशन होता है, वो डिसाइड करेंगे. कमिटी होती है, वो डिसाइड करेंगे यार कितना देना चाहिए हर साल. जैसे कभी कोविड में गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो गया, कभी स्टेट का ज्यादा हो गया, तो चलो ज्यादा दे दो. सो दे जनरली रेकमेंड एनीवेयर बिटवीन 40-42%. बट कभी कभी जैसे बोला जाता है दिस मच इज नॉट एक्चुअली गिवन. सो इट कीप्स ऑन वेरिंग. देयर इज अ फाइनेंस कमीशन विच डिसाइड्स कि दिस टैक्स शुड बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज आर्टिकल 270. शुड यू लर्न दिस एंड रिमेंबर दिस आर्टिकल? नो, इट इज नॉट मेंशनड इन द मॉड्यूल. तो ये लर्न करना है कि आपको? नहीं, लेकिन जानना है, पता होना चाहिए. ठीक है? यस. आगे आर्टिकल. नहीं, ऐसा इट्स अ इंडिपेंडेंट बॉडी. ओके, 271 ये बोलता है कि जो सरचार्ज है, जो सरचार्ज अभी बोला ना सरचार्ज, हाँ, दिस सरचार्ज विल बी रिटेन्ड बाय
कौन रिटेन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको शेयर नहीं किया जाएगा. सरचार्ज कौन रिटेन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई बात नहीं है ना, होना भी चाहिए ना. सेंट्रल गवर्नमेंट के भी तो बहुत खर्चे, सेंट्रल बोलो या स्टेट बोलो, सब अपना ही है ना. डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्यों नहीं दे रहे मैम? अरे ऐसा इतना ये नहीं है, सरचार्ज है, हमने लेवी किया है, रखने दो. ठीक है, सो सरचार्ज विल बी रिटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये ऐसा कौन बोलता है? आर्टिकल 271. दिस इज सेट बाय विच आर्टिकल? 271. तो मोटा मोटी जो मैंने सिखाया है रफली यही सब है. आर्टिकल नंबर्स आपको बता दिया अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. नाउ मैम, ओके, कमिंग बैक अगेन टू अ फ्यू अदर थिंग्स बिफोर आई टीच यू द टैक्स कैलकुलेशन एंड ऑल. यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा मैम, सेस क्या? फिर सेस कौन रखता है? सेस इज कलेक्टेड फॉर एजुकेशन पर्पज. उसका नाम ही क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन. गवर्नमेंट विल कलेक्ट इट फॉर एजुकेशन पर्पज एंड स्पेंड इट ऑन एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट होता है 4%, 2% फॉर प्राइमरी एजुकेशन, 1% सेकेंडरी एजुकेशन, 1% फॉर हेल्थ. क्या फिर से बोलना? 2 फॉर प्राइमरी एजुकेशन, 1 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड एडिशनल 1 फॉर हेल्थ. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. आई टेल यू, एजुकेशन सेस इंट्रोड्यूस किया था पहले सिर्फ 1%, फिर कोई कुछ नहीं बोला, लोगों को आदत पड़ गई, अच्छा सेस भी आने वाला है, ठीक है चलो झेल लेंगे, सह लेंगे थोड़ा हम, तो लगा दिया 1%. आदत पड़ गई लोगों को, कुछ सालों के बाद उस सेस को 1% की जगह पे क्या कर दिया? 2%. फिर बोल दिया ये 2% प्राइमरी एजुकेशन के लिए. फिर गवर्नमेंट ने कुछ सालों के बाद बोला कि यार 2% प्राइमरी एजुकेशन के लिए जा रहा था, बहुत अच्छा फायदा हो गया, चलो अभी क्या करते हैं सेकेंडरी ले लेते हैं, सेकेंडरी सेस 1%. फिर एजुकेशन सेस का रेट हो गया 3%. फिर बोला यार एजुकेशन के लिए अच्छा काम कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लोगों को इतना ये नहीं हो रहा है, चलो एक और परसेंट ऐड कर देते हैं फॉर हेल्थ. एंड नाउ ये हेल्थ का वाला 2 या 3 साल पहले आया, 2018-19 के आसपास आया होगा. तो इसको अभी इसलिए नाम दे दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सो 2% फॉर प्राइमरी, 1% फॉर सेकेंडरी, 1% फॉर हेल्थ. सो दे यूज दिस, दे कलेक्ट दिस मनी एंड दे हैव टू यूज इट ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज. इज दैट ओके? Yes, so that is about the cess. So you know how it happens. आपको तो अभी मैं टैक्स रेट्स बताऊंगी, अभी वाले टैक्स रेट्स बताती हूँ और जो मैंने सीखे वो बताती हूँ, फिर आप देखना कितना फर्क था टैक्स में. ठीक है, हाँ, बिफोर आई कम टू टैक्स रेट्स देर इज समथिंग एल्स. नाउ चमेली आई है यहाँ पे. कौन आया है? चमेली. और वो किससे मिलने आई है? वो तुम लोगों से मिलने आई है. क्यों? तुम कौन है? सीए. तुम कौन है? Yeah, you all are chartered accountants, so Chameli has come to meet you. So yes, live streaming ne bhi correct answers diye, bilkul sahi hai. Yes, now let us understand. Chameli has come and she says, mujhe business start karna hai. Kya start karna hai? Business. So she comes for consultation. She knows ki yaar kuch bhi karne se pehle it's best you take advice from your CA. Because tax bahut vast hai, bahut provisions hai, sab pata nahi chalte. So it's best you go to whom? CA. So it's better that I go to a CA and get my consultation done. So usne bola, achha fir CA ke paas aayi to aap usko poochte, yaar theek hai Chameli, tu business kar rahi hai, kaise karne wali hai? Khud se karne wali hai? Akele se hi karne wali hai? Proprietary? हाँ हाँ मैं खुद से करूंगी. सो शी हैज वेरियस ऑप्शंस. क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं चमेली के पास? चमेली को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, आइदर शी कैन डू इट एज अ सोल प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर, हाँ, तो वो खुद से कर सकती है बिजनेस. यस, हाँ, या वो क्या कर सकती है? बोलते नहीं यार आजकल अकेले करना बहुत मुश्किल है एंड आई नीड समबडी, और मैं और मेरी फ्रेंड है, हमने डिसाइड किया कि हम साथ में करेंगे. तो चंपा एंड चमेली, सो दे कैन फॉर्म अ करेक्ट. या क्या कर सकती है? तुम लोग बताओ, जो तुम बोलोगे मैं वही लिखने वाली. देखो चंपा कैसे करना है, सबने पार्टिसिपेट करना है, सबने क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है. ओके, राइट. आइदर शी स्टार्ट एज अ प्रोप्राइटर और चंपा चमेली फॉर्म अ कंपनी कॉल्ड एज CC एंड कंपनी. ओके, पार्टनर. अच्छा मैम आपने तो कंपनी लिख दी, ये तो कंपनी बन गई. नहीं यार काट डालूंगी,
कंपनी लिखा मतलब वो कंपनी बनी, ऐसा नहीं है। कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड और जस्ट लिमिटेड, सीख रहे हैं ना अभी लॉ में, है ना? तो आपको प्राइवेट लिमिटेड या जस्ट लिमिटेड तब वो कंपनी होती है, ठीक है? तो आइदर शी विल डू अ प्रोप्राइटरी, शी कैन स्टार्ट अ फर्म, और क्या कर सकती है? एच यू एफ बोल रहे हैं, ठीक है? और चंपा चमेली, नहीं व्हाट चम, अपने क्लाइंट तो चमेली रहे यार, हाँ तो चमेली क्या करती है? आइदर शी डिसाइड्स चमेली एलएलपी, शी नीड समबडी फॉर मी, कंपनी इज कंपनी, यू फॉर्म पब्लिक लिमिटेड, यू फॉर्म ओपीसी, यू फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, फॉर अस इन इनकम टैक्स कंपनी इज अ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज यू विल डू इट इन लॉ, दैट ओपीसी वन पर्सन कंपनी, देन यू हैव प्राइवेट लिमिटेड, यू हैव पब्लिक लिमिटेड, यस यू नीड दैट वेयर लॉ। सो चमेली कैन आइदर फॉर्म अ कंपनी, so it can be a, she can have a listing, she can list her company and her private limited can become a public limited. Yes, so you have always seen a lot of IPOs happening and all that stuff, so that of course you will be learning in law. So here LLP ne bola, kisi ne bola tha to starting mein bol diya, चंपा चमेली एलएलपी भी बना सकते हैं। शाबाश, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 ही है ना तुम्हारा कि 25? हाँ बट अभी 8 ही है ना, व्हेन वी स्टडीड द कंपनीज एक्ट, आई स्टडीड द 56 वाला कंपनीज एक्ट, यू ऑल आर लर्निंग कंपनीज एक्ट 2013, सो इट फॉर अस द एनजीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज वर सेक्शन 25, नाउ दे आर सेक्शन 8 कंपनी। मैंने फिर से बोला सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फॉर इनकम टैक्स इट इज अ कंपनी, फॉर इनकम टैक्स इट इज अ कंपनी, बरोबर? ओके, आइदर दे कैन फॉर्म एन एलएलपी, उसके बाद क्या करेंगे? ट्रस्ट बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर, ओके जॉइंट वेंचर, और कुछ एसोसिएशन, ठीक है? ओके, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से बोला। तो मैम चमेली आके पूछती है कि यार मैं फर्म प्रोप्राइटरी करूंगी, एज ए इंडिविजुअल बिजनेस करूंगी तो टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा यार। इफ आई डू इट एज अ फर्म तो भी टैक्स लगेगा? लगेगा। आप कंपनी करो तो भी टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। एचयूएफ को लगेगा? ऑफकोर्स इनके रूल्स अलग है, इनके टैक्स रेट शायद अलग हो सकते हैं। इनके क्या अलग अलग है? रूल्स अलग है और टैक्स रेट्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो हमें क्या सीखना है कि यार इनकम टैक्स किसको एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन, पर्सन हु इज अर्निंग इनकम। इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू अ पर्सन, पर्सन हु इज अर्निंग इनकम। हु इज अ पर्सन इन इनकम टैक्स? ये सब पर्सन है अभी। Whether you do it individually as a proprietor, you are treated as an individual. Whether you do it as a firm, you are treated as a firm. अब कोई तो मुझे बोलेगा, no ma'am, गलत। हमने तो सीखा है, firm, partnership firm doesn't is not a separate, not a separate legal entity. ma'am, हमने तो ऐसा सीखा है ma'am. तो मैं बोलूँगी इधर आ, किधर सीखा है? कौन से act में सीखा है? पार्टनरशिप एक्ट में। मैं कौन सा एक्ट पढ़ा रही हूँ? एक्ट अलग तो प्रोविजंस अलग। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मिक्सिंग नहीं करने का। इफ यू लर्न इन पार्टनरशिप एक्ट दैट नो मैम अ फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज एज पर पार्टनरशिप एक्ट। बट हियर इन इनकम टैक्स हमारा इंटेंशन है टैक्स लेने का यार। तो फर्म तू बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हमको टैक्स चाहिए। यू आर अ पर्सन। Who is a person for income tax? Individual is a person, partnership firm is a person, LLP is a person, company is a person, HUF is a person. Ma'am, what is this HUF? Hindu Undivided Family. बहुत लोग, आप अगर आपकी फैमिली इसके बिजनेसेस होते, do you realize many of families ancestral business चालू होते हैं कि कपड़े की दुकान है, गारमेंट्स का है, कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, ग्रैंडफादर ने ओपन करी है वो शॉप, वो जाते हैं, उनके भाई है, उनके बच्चे, उनके आगे की नेक्स्ट जनरेशन, सो इट्स अ फैमिली बिजनेस।
उनका अलग इनकम टैक्स रिटर्न जाता है, उनकी एक अलग एंटिटी होती है HUF. सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ सेपरेट लीगल सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स. मतलब उनका अलग, उनको अलग रजिस्ट्रेशन होगा, उनका अलग पैन होगा, उनको अलग रिटर्न भरना पड़ेगा और उनको टैक्स देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को भी देना पड़ेगा. HUF इज अ पर्सन. सो ऐसा नहीं है कि मैं ना इनकम टैक्स से बचने के लिए ना एक अलग एंटिटी फॉर्म करती हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू पे टैक्स. यार तुम फर्म बनाओ, तुम LLP बनाओ, तुम कंपनी बनाओ, उस कंपनी में तुम OPC बनाओ, सेक्शन 8 कंपनी बनाओ, तुमको जो अलग टाइप की कंपनी बनानी है बनाओ, लेकिन ऑल ऑफ इट इज ट्रीटेड एज अ पर्सन. सो पर्सन इज इंडिविजुअल HUF. नाउ वेट, इंडिविजुअल HUF. नाउ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, समथिंग दैट यू विल नाउ अंडरस्टैंड. सी फर्स्ट इंडिविजुअल, डू यू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल? इंडिविजुअल में मैं आपको बोलती हूँ, आई हैव माई प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ कामदार एंड कंपनी. एंड कंपनी, एंड कंपनी का मतलब ये नहीं है कि इट्स अ कंपनी. आप, आपके पास जब क्लाइंट आता है ना, वो बोलता है ये लो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा कंपनी का नाम है कामदार एंड कंपनी. अरे कामदार एंड कंपनी तो ये क्या है? आपको पूछना पड़ेगा क्लाइंट को कि आप खुद से कर रहे हो या आपने किसी के साथ मिलके ये चालू किया है. एंड कंपनी से आप गेस नहीं कर सकते कि ये एंटिटी क्या है. सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड या LLP ये शब्दों से आप गेस कर सकते हो दिस इज अ कंपनी और दिस इज एन LLP. वो छोड़ के जनरली आप नहीं गेस कर सकते. आप नीचे यहां से शॉप से जाओगे तो कितने अलग अलग ट्रेड नेम्स होंगे. कोई जेरोक्स की दुकान है, कोई स्टेशनरी शॉप है, नाम लिखा हुआ रहता है. क्या नाम से आपको पता चलता है उसकी एंटिटी क्या है? नहीं, उसके पैन कार्ड से पता चल सकता है. उसको पूछना पड़ेगा कि अरे तुमने क्या किया? नहीं मैं तो प्रोप्राइटर हूं, मैंने स्टार्ट कर दिया. अच्छा इधर आओ चंपा, तुम क्या करने वाली हो? मैं चमेली के साथ पार्टनरशिप डीड एंटर करने वाली हूं. ओ सो यू आर अ पार्टनरशिप फर्म बिकॉज यू हैव एंटर्ड इन, यू हैव प्रिपेयर्ड अ पार्टनरशिप डीड, यू हैव डिसाइडेड योर PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड यू मेंशन दैट इन द पार्टनरशिप डीड. ओ यू हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कंपनी बनाई है, वो सारा प्रोसेस किया है, यू हैव डन ऑल दैट प्रोसेस, यू आर अ कंपनी और यू आर एन LLP. LLP के लिए भी LLP का एक डीड होता है, एग्रीमेंट होता है, वो बनाना पड़ता है. जैसे पार्टनरशिप डीड का होता है वैसे किसका होता है? LLP का. LLP has got best features from company as well as partnership firm. LLP 2008 में, LLP Act देखो क्या है, what is the year of the act? LLP Act 2008, Partnership Act 1932. पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट कब से आ रहा है? 1932 से. LLP का कॉन्सेप्ट कब आया? 2008 में. कंपनी एक्ट सबसे पहले बना 1956 में. तो कंपनी का कॉन्सेप्ट कब से है? 56 से. अभी उसको अमेंड करके एक्ट 2013. अगला नंबर इनकम टैक्स का है, 1961 का एक्ट है, अमेंड हो रहा है, बट एक्ट की बेसिक प्रोविजन नहीं चेंज होती. अमेंड होता है तो मतलब ऐसा, चलो सरचार्ज मत लगाओ, रिबेट दे दो, 5 लाख की जगह 6 लाख पे रिबेट दे दो, ऐसा चेंज होता है. ठीक है, हर साल चेंज होता है, बट ऑफकोर्स उसकी बारी है चेंज होने की. तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, CA बनने के बाद नया एक्ट आ गया, नई प्रोविजन आ गए, फिर से क्लासेस लगाओगे क्या? अभी से सीखो, लर्न टू डू इंटरप्रिटेशन ऑन योर ओन. समथिंग न्यू विल कम. जैसे LLP एक्ट 2008 में आया, तो जिन्होंने 2008 के पहले क्वालिफाई हुए उनको LLP एक्ट कहाँ से समझा? खुद से पढ़ के समझा हमने. समझ में आ रहा है आपको? यस. सो नाउ इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ, पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या होना चाहिए? डीड बनना चाहिए ना. किसका एग्जाम्पल है पार्टनरशिप फर्म का? चंपा चमेली. क्या नाम दिया उन्होंने? CC एंड कंपनी. अच्छा अब सुनना, चंपा चमेली ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है. चंपा चमेली ने फर्म बनाई, वो तुम्हारे पास आई है. कौन आई है तुम्हारे पास? चमेली. चमेली बोलते हैं आई एम मेकिंग, हमारा टेम्परेचर है करना वाड़ो, है ना, ऐसे ठंडा हो गया ना बहुत. का टेम्परेचर है? 16 22
23 कर 24 कर ठंडा हो गया है ना. वी आस्क हिम टू इंक्रीज द टेम्परेचर ना. Okay, now pay attention. Okay, now pay attention. Individual HUF partnership firm. अब partnership firm के बारे में कुछ चीजें समझते हैं. किसकी फॉर्म है ये? चंपा एंड चमेली. आप बहुत खुश हो गए चमेली आई उसने बोला मैं पार्टनरशिप फॉर्म बना रही हूं. यू से वाह क्यों? क्योंकि तीन नए क्लाइंट्स आ गए. क्या क्या बोला मैंने? तीन नए क्लाइंट्स, तीन नई फाइल्स तैयार हो जाएंगी आपकी ऑफिस में इनकम टैक्स की. तीन नई फाइल्स रेडी हो जाएंगी. कैसे रहे? एक तो मैम चंपा चमेली. एक मिनट रुक रहे. हाँ पहले कौन? चंपा. इसको इंडिविजुअल मानेंगे. फिर कौन? चमेली. इसको पक्का सीसीएन कंपनी. ये कौन है? फर्म. ओ मैम तो तीन इनकम टैक्स रिटर्न जाएंगे. हाँ तीन पर्सन है. हाँ तीन फाइल्स बनेंगी ऑफिस में. हाँ नहीं नहीं मैम कुछ तो गलत है मैम. डबल टैक्स है ऐसे कैसे मैम? बहुत सवाल आ रहे हैं हमको. हमको बहुत डाउट आ रहे हैं अभी. पूछो मत मुझे पता है क्या डाउट आ रहे हैं. अब सुनना फर्म ने प्रॉफिट बनाया कितना? 10 लाख. कितना प्रॉफिट हुआ फर्म का? 10 लाख. अयो इस 10 लाख पे टैक्स कौन पे करेगा? फर्म. इस 10 लाख पे टैक्स कौन पे करेगा? फर्म. फर्म विल पे टैक्स ऑन दिस 10 लाख. बाद में तुम अकाउंटिंग एंट्री करते. क्या अकाउंटिंग एंट्री करते तुम? शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते तुम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10 लाख. अज्यूम दैट 10 लाख में से हमने टैक्स पे कर दिया टू चंपास कैपिटल अकाउंट 5 लाख टू चमेलीज. दिस इज नॉट अकाउंट आई एम नॉट राइटिंग इट एकदम डेबिट क्रेडिट ऐसे प्रॉपरली सो अंडरस्टैंड दैट. ओके टू चमेलीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख. नरेशन बींग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बरोबर अकाउंट्स अच्छा तो आपका इमेजिनेशन आगे का बहुत अच्छा बनता है. इफ योर अकाउंट्स बेस इज गुड देन इट हेल्प्स यू अ लॉट इवन इन इनकम टैक्स. इट हेल्प्स यू ओवरऑल. ओके सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू लिंक वन सब्जेक्ट टू अनादर. एयर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है सीए कोर्स. क्लाइंट आएगा कुछ पूछने का तुमने बोल नहीं नहीं मेरा अकाउंट्स अच्छा नहीं था वो तो चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं था ऑप्शन में छोड़ दिया. हाँ बोल सकते क्या? नहीं. हाँ सो हियर अंडरस्टैंड नथिंग इज एयर टाइट कंपार्टमेंट्स. हियर एवरीथिंग इज टुगेदर एंड दैट्स एग्जैक्टली द लॉजिक ऑफ द न्यू कोर्स विच आई हैव बीन टेलिंग स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम बिगनिंग. ब्रेन मैपिंग. एक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो लिंक इट विथ अकाउंट्स, लिंक इट विथ ऑडिट, लिंक इट विथ सम अदर सब्जेक्ट्स. बहुत मजा आता है फिर. देन यू अंडरस्टैंड ओवरऑल पिक्चर. ओके यू विल गेट इट स्लोली एंड स्टेडिली क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है ना आपका. तो मैं आपको जब भी कोई सिखाऊंगी आई विल पिक इट अप फ्रॉम अदर टॉपिक्स ऑल्सो एंड हेल्प यू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो एंड लिंक इट टुगेदर. अब देखो भाई ये 5-5 लाख बाद में किसको मिला? हाँ अब ये चंपा और चमेली को मिला. तो चंपा और चमेली आते आपके पास तो वो गुस्सा हो गए बोलते ये क्या है तीन तीन रिटर्न भर रहे तो तीन तीन क्लाइंट्स तीन फाइल्स बनाएगा तीन तीन बार फी लेगा हमसे क्या है ये और 10 लाख डबल दो दो बार टैक्स लेगा. 10 लाख ये किसका इनकम है? चलो चलो 10 लाख किसका इनकम है? फर्म का. इस 10 लाख पे टैक्स कौन देगा? और ये मिलेगा किसको? तो फिर से चंपा चमेली को टैक्स पे करने को लगाओगे? फिर से लगाओगे? कॉमन सेंस पहले करने का फिर एक्ट में ढूंढने का. पहले अपना कॉमन सेंस ये डेवलप करने का है थिंकिंग. नया एक्ट आएगा तो क्या एक लॉजिक आपको डेवलप करने का है. बोलो फिर से चंपा और चमेली को 5-5 लाख पे टैक्स. शो ऑफ हैंड्स करते हैं. क्या करेंगे? शो ऑफ हैंड्स.
मतलब जिनको लगता है कि फिर से चंपा चमेली टैक्स पे करेंगे तो हाथ ऊपर, बिंदास गलती करने का, एकदम कॉन्फिडेंटली गलती करने का, बिंदास, कोई भी डरेगा नहीं क्लास में. इज दैट ओके? यस. सो शो ऑफ हैंड्स. अगर टेलीग्राम ग्रुप होता तो मैं पोल क्रिएट कर देती थी, आपको बोलती थी, बट ठीक है. नाउ डू यू थिंक, सवाल क्या है मैम फिर से बताओ. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये किसका है? फर्म का. बिजनेस कौन कर रहा है? फर्म. मैम ये 10 लाख का प्रॉफिट किसका हुआ? किसका प्रॉफिट है? फर्म का. टैक्स कौन पे करेगा? बाद में डिस्ट्रीब्यूट किसको होगा? तो जब चंपा चमेली को ये 5-5 लाख मिलेगा तो उनसे फिर से टैक्स लोगे क्या? ओके, सो लेट्स हैव अ शो ऑफ हैंड्स. किसको लगता है फिर से टैक्स लेंगे? हाथ ऊपर. किसको लगता है फिर से टैक्स लेंगे? लाइव स्ट्रीमिंग वाले फिर से टैक्स लेंगे? ओके, ठीक है. किसको लगता है फिर से टैक्स नहीं लेना चाहिए? ओके, फिर से टैक्स नहीं लेना चाहिए. ठीक है, ओके. ऐसे कोई बच्चे जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया? न्यूट्रल. मैम वी आर नॉट एबल टू डिसाइड. अभी हम डिसाइड नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. नो नो नो, दिस कैटेगरी इज वेरी डेंजरस. द कैटेगरी हु डिसाइड्स. गलती करी तो आप सीख लोगे कि क्या गलती करी है. आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, दिस इज वेरी डेंजरस कैटेगरी. यू हैव टू टेक अ कॉल एंड टेक अ डिसीजन, बी इट राइट और बी इट रॉन्ग. वैसे तो कॉन्फिडेंस, गलती करने से घबराने का नहीं. ठीक है, यस. तो वॉट इज राइट, आई टेल यू नाउ. अच्छा, और एक और बात, हम यहाँ लॉ बनाने नहीं आए. मैंने तुमको पोल हाथ ऊपर करो और तुम्हारे मेजोरिटी से लॉ बदलने वाला नहीं है. हम लॉ बनाने को नहीं आए. हाँ, हम लॉ को सीख रहे और शायद उसका इंटरप्रिटेशन सीख रहे. इसलिए मैं ये पोल जो कराती हूँ बच्चों को बोलती हूँ आपको क्या लगता है, तो धीरे धीरे आपका थिंकिंग उस एंगल में चेंज होता है. धीरे धीरे होगा. विल इट हैपन इमिडिएटली? नो. तीसरा तो लेक्चर है बेटा, और 3 लेक्चर में ऐसे मत समझ लेना कि हाँ मैम बहुत टैक्स आ गया है, मैम ऐसा प्लानिंग करेंगे, मैम मैं तो ऐसा दिखाऊंगा. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आंसर क्या है. नो डबल टैक्सेशन. व्हाई? इज इट राइट? सेम इनकम पे दो दो बार टैक्स क्यों दे कोई भी? कोई रीजन ही नहीं है. नॉट एट ऑल. सो व्हेन चंपा एंड चमेली गेट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10. इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10. दे डोंट हैव टू पे टैक्स अगेन. चंपा चमेली आती है, बोलते क्या ये मोदी जी, ये क्या इस टाइप का ईज ऑफ बिजनेस है? ये क्या बिजनेस है? ऐसे करेंगे हम? 10 लाख पे फर्म ने टैक्स दे दिया, अब चंपा फिर से 5 लाख पे टैक्स देगी, चमेली फिर से 5 लाख. मैं से अरे शांत हो जाओ, फिर से टैक्स देना नहीं है. तो मैं क्या दिखाऊं मेरे रिटर्न में? तुमको फर्म ने अगर सैलरी दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा तो वो दिखाओ. तुम्हारा तुमने FD बनाया होगा, वो 5 लाख लेके FD बनाया होगा, इंटरेस्ट कमाया होगा वो दिखाओ. तुम्हारे पर्सनल कुछ अदर इनकम होगा तो वो दिखाओ, वो तुम्हारे रिटर्न्स में दिखाओ. ऑन दिस 10 लाख यू डू नॉट हैव टू पे टैक्स अगेन. याद रखना एक लॉजिक, इनकम टैक्स कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगा. इट्स रॉन्ग टू डू डबल टैक्सेशन. देयर विल नेवर बी डबल टैक्सेशन. शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स बिकॉज द फर्म हैज ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन दैट. फिर से कौन आया आपके पास? चमेली. कौन आया आपके पास? चमेली आई थी यार. हाँ, हु हैड कम टू यू? चमेली. आनंद सर नाराज हो जाएंगे उधर. तो कौन आया था आपके पास? चमेली. चमेली आई, उसने बोला मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ? फर्म. तो वो पार्टनरशिप डीड करने वाली है? हाँ. वो डीड बनाएगी तो ये क्या बन गया? फर्म. फिर से करेंगे एकदम स्लो. एंड मैम ये इधर ही है क्या ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट फिर से PGBP में आता है. डोंट वरी, इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. चंपा आई आप? नहीं नहीं नहीं, चमेली आई. चमेली चंपा ने फर्म बनाई. हाँ, तो फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? अब इनकम टैक्स बोलेगा देखो हमने टाइम पास के लिए तो फर्म को अलग पर्सन नहीं बोला है, तुम्हारा एक अलग पर्सन है ना फर्म. चलो फर्म, तुमने 10 लाख का प्रॉफिट किया ना, पे टैक्स ऑन 10 लाख. हु विल पे टैक्स ऑन 10 लाख? फर्म. टैक्स पे करने के बाद जो भी बचा, 10 लाख नहीं बचेंगे, शायद 9 लाख बचेंगे या जो भी है. फर्म का टैक्स रेट 30% होता है तो 7 लाख बचेगा. तो 7 लाख किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी हम? चंपा को और चमेली को. फिर से टैक्स दे क्या? नहीं, इस पे ऑलरेडी टैक्स पे
हो चुका है, अब सिर्फ क्या कर रहे, बांट रहे, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. विल यू हैव टू पे टैक्स अगेन? नो. सो डोंट वरी. हाँ, आई हैव सम अदर विद द फर्म, मेरा और भी कुछ अलग बिजनेस चल रहा है, और आई एम वर्किंग समवेयर पार्ट टाइम सैलरीड. तो चंपा को कहीं सैलरी मिल रही है, चमेली को कहीं सैलरी मिल रही है, उन्होंने प्रॉपर्टी बेची, उनका अदर इनकम भी होगा ना, तो उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न अलग से भरना पड़ेगा, फर्म को अपना इनकम टैक्स रिटर्न अलग से भरना पड़ेगा. सो जब चंपा, चमेली और CCN कंपनी आपके पास आते हैं, तो आपके पास कितने क्लाइंट्स हो गए? तीन. एक चंपा, एक चमेली और एक CCN कंपनी. मैम, मुझे आपको यहाँ पे ना फर्म का टैक्सेशन नहीं सिखाना, वो जब सिखाना है वो PGBP में सिखाना है, वहाँ सिखाऊंगी. मुझे यहाँ आपको जो सिखाना है, जो मुद्दा मुझे आपको बोलना है, उसको पकड़िए पहले. मुद्दा ये है, इज फर्म अ सेपरेट पर्सन फॉर इनकम टैक्स? यस. आर पार्टनर सेपरेट पर्सन फॉर इनकम टैक्स? यस. ऑन फर्म्स प्रॉफिट हु विल पे टैक्स? फर्म. व्हेन दैट प्रॉफिट इज गिवन टू पार्टनर्स, विल दे पे टैक्स अगेन? नो. ये सिखाना है, इस पे फोकस करो. I'll tell ना, coming to it. हाँ, यहाँ पे फर्म का समझे क्या? Everybody? Yes. Same is about LLP. Same is about LLP. कंपनी का वैसा नहीं होता. कंपनी का वैसा नहीं होता. कंपनी अपने प्रॉफिट में से क्या देगी? डिविडेंट. डिविडेंट इज टैक्सेबल. हाँ, कंपनी के लिए फर्म, कंपनी का अलग, फर्म का अलग. यू हैव टू सिट विथ योर CA एंड डिसाइड कि हमने फर्म करना चाहिए या कंपनी करना चाहिए. मैम क्यों? अरे क्योंकि सबके रूल्स अलग है. किस टाइप का बिजनेस है आपका, क्या प्लान है, कैपिटल कितना है, आप लोन लेने वाले हो क्या, नहीं फिर फर्म अच्छा है, नहीं नहीं फिर कंपनी अच्छी है, ऐसा एडवाइस कौन देगा? CA. आप कब दे पाओगे? जब आप इनके सारे रूल्स समझ लोगे. अभी सब रूल्स इसी चैप्टर में समझेंगे क्या? नहीं, धीरे धीरे हम समझने वाले. इज दैट क्लियर? ओके, चलो तो मुझे बताओ पर्सन कौन कौन है. यस. हाँ, किसको सैलरी दे रही है तू? हाँ ठीक है, ठीक है. अच्छा कोई नहीं, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ, सुनो. एक और बात मैं आपको एक चीज बोलती हूँ. फर्म का प्रॉफिट है 15 लाख, 16 लाख. कितना प्रॉफिट है? 16 लाख. उसमें से उन्होंने 3 लाख सैलरी और 3 लाख सैलरी चंपा को दिया, चमेली को दिया, ये माइनस होगा और फिर फर्म का प्रॉफिट कितना आएगा? 10 लाख. एंड देन फर्म विल पे टैक्स ऑन, कौन पे करेगा? फर्म. और ये 3-3 लाख चंपा का इनकम, चमेली का इनकम. डू यू अंडरस्टैंड? वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम. फर्म किसको सैलरी दे रही है? चंपा चमेली. फर्म का खर्चा, चंपा चमेली का इनकम. मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ है, आई पे सैलरी. फॉर मी इट इज अ एक्सपेंडिचर, फॉर दैट स्टाफ इट इज अ इनकम. वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम. ये तो हमेशा लॉजिक रहता ही है, ठीक है. अगेन रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वेरी लिमिटेड पार्ट हियर. व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फॉर टुडे, फर्म तीन, चंपा चमेली फर्म, आदि सेपरेट पर्सन. यस और नो? यू हैव टू आंसर. आदि सेपरेट पर्सन फॉर इनकम टैक्स? यस. फर्म मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख. हु विल पे टैक्स ऑन दिस 10 लाख? फर्म. बिकॉज दिस इज हूज बिजनेस? फर्म. After paying this tax, the profit is distributed amongst the partners. जब ये profit उन लोगों को मिलेगा, क्या इस पे फिर से partners को tax देना है? नहीं ma'am, क्योंकि already firm ने tax pay कर दिया. कमाया तो एक ही बार 10 लाख है, दो बार कमाए क्या? Firm ने एक ही बार 10 लाख कमाया तो एक ही बार tax देना है. उसका tax देने के बाद जो distribute होगा वो partners के hands में एग्जम्प्ट होता है, वो पार्टनर्स के हैंड्स में एग्जम्प्ट होता है. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इसका टैक्स कैलकुलेशन एक PGBP में है. यहाँ इंट्रोडक्शन में बताने का सिर्फ ये मुद्दा है कि ये अलग लोग हैं, फर्म अपनी प्रॉफिट पे खुद टैक्स पे करेगा और जो पार्टनर्स को मिलेगा वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा.
समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाना है, आज के लेक्चर में नहीं जाना है. इफ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स, जस्ट सी दैट हैव यू अंडरस्टूड दोज थ्री थिंग्स, बिकॉज दीज थ्री थिंग्स विल हेल्प मी टू टीच यू समथिंग एल्स फर्दर. एंड वॉट आर द थ्री थिंग्स? आर दीज ऑल डिफरेंट पर्सन्स? ओके. हु विल पे टैक्स ऑन फर्म्स प्रॉफिट? और ये एक बाद में किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? पार्टनर. जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर से पार्टनर्स टैक्स पे करेंगे क्या? अगर आपको ये तीन चीजें समझी है, मेरे हिसाब से ये आज के लिए काफी है, एंड दिस बेस इज इनफ फॉर मी टू टेक यू अहेड आफ्टरवर्ड्स. इज दैट ओके? आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स राइट नाउ. हैव यू अंडरस्टूड? एंड इफ नॉट देन यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन दीज थ्री थिंग्स ओनली राइट नाउ. ठीक है? अभी लर्नर्स लाइसेंस चल रहा है, उसके बाद आपको प्रॉपर लाइसेंस मिलेगा. ठीक है? इज दैट ओके? यस. यहां से भी यस आने दो. गॉट इट? हाँ श्रीजना, यस. ये तीन तीन लाख पे मैंने बोल दिया ना, ये चंपा चमेली का इनकम है, उनको टैक्स देना पड़ेगा. करेक्ट है क्या? सेम इज फॉर LLP? कंपनी? नो, कंपनी में ऐसा फंडा नहीं है. कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करेगी, उन्होंने अगर डिविडेंड दिया तो डिविडेंड पे शेयर होल्डर्स टैक्स देते हैं. अब सुनना, JV, एक कौन सा पार्ट बताती हूँ आपको? JV वाला. ठीक है? अब सुनो, आनंद सर और हर्षद सर, आनंद सर एंड दे डिसाइड कि हम साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे. ओके? दे डिसाइड टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन करेंगे. और फिर क्या करने वाले वो लोग? कंस्ट्रक्शन. फिर वो लोग बोलते हैं कि क्या करें, पार्टनरशिप में करें क्या? तो आई आज देम पार्टनरशिप में करें क्या? तो मैंने बोला आपको आगे भी और ऐसा करने वाले हो क्या? नहीं नहीं, ये एक ही प्लॉट ऑफ लैंड हमको पसंद आया, हम सिर्फ ये एक ही एक साथ करेंगे और एक ही के लिए हम जॉइंट वेंचर बनाएंगे. मतलब हमको पार्टनरशिप, हाँ एक ही है तो पार्टनरशिप नहीं बन सकता ऐसा है क्या? नहीं. बट बोलते जाने दो ना, वो पार्टनरशिप डीड बनाओ ये सब करो, हमको नहीं करने का है फॉर्मेलिटीज, हमको सिर्फ जॉइंट वेंचर करने का है. तो दे मेक अ MOU. व्हाट इज MOU? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. दे बोथ डिसाइड, चलो हाँ ऐसे पैसे इक्वली देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा आपका 50 मेरा 50, ऐसे उन्होंने अंडरस्टैंडिंग जो है पेपर पे लिख के ले लिया. इसको क्या बोला? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मतलब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई. डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई. चलो डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई. पार्टनरशिप डीड बना लेते तो ये बन जाता पार्टनरशिप फर्म. LLP डीड बना देते तो ये बन जाता LLP. करेक्ट? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन जाता. अगर पार्टनरशिप डीड बनाते तो क्या बन जाता? करेक्ट? ऑल ओके विद दिस? यस. अब इन्होंने ये नहीं बनाया तो इनकम टैक्स इनको क्या बोलेगी? इनकम टैक्स बोलेगी डीड है क्या पार्टनरशिप? नहीं. चलो पार्टनरशिप नहीं है, फिर फर्म नहीं है. LLP है क्या? नहीं है. वो उसका भी डीड नहीं बनाया. जैसे पार्टनरशिप का डीड होता है वैसे भी LLP का भी एक डीड बनता है, वो भी नहीं बनाया. तो LLP भी नहीं है. तो इसको बोलते AOP. इसको इनकम टैक्स क्या बोलती है? AOP. और हम हमारी कॉमन भाषा में इसको जॉइंट वेंचर समझते हैं. इसको इनकम टैक्स बोलता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इसको इनकम टैक्स क्या समझता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. कि लोग साथ में आ रहे, एसोसिएशन कर रहे और बिजनेस करने वाले और प्रॉफिट शेयर करने वाले, लेकिन वो डीड नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो LLP डीड नहीं बनाना चाहते, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना चाहते. इनकम टैक्स बोलता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा टैक्स से मतलब है. आनंद सर और हर्षद सर से टैक्स तो लेना पड़ेगा, उन्होंने जो प्रॉफिट बनाया उस पर मुझे टैक्स चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने फर्म नहीं बनाया, टैक्स नहीं मिलेगा. हमने LLP नहीं बनाई, टैक्स नहीं मिलेगा. अरे क्या नहीं बनाया, हम तुमको AOP बनाएंगे. फिर क्या बोलेंगे हम तुमको? AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. लेकिन टैक्स तो लेकर रहेंगे, टैक्स तो लेकर रहेंगे. तो हम आपको बनाएंगे फिर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज अ JV. व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन? JV. चलो तो कौन कौन पर्सन है फटाफट बोलो. इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, AOP, LLP, कंपनी. सो फॉर नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस एज द पर्सन्स के डेफिनेशन. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? देर आर वन और टू मोर थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू. तो पहले लिख के लो,
following are treated as persons? Following are treated as persons. इस सीक्वेंस में लिखना है इंडिविजुअल एओपी, एक बीओआई है वो मुझे सिखाना है आपको. राहुल ऑफ कोर्स दे आर टैक्सेबल ना, दैट इज व्हाई लायबल टू टैक्स, इसीलिए तो उनको पर्सन की डेफिनेशन मिली. आप भी तो बोला टैक्स तो लेकर रहेंगे, हाँ कि नहीं बेटा? तो कौन है इंडिविजुअल? इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी एंड बीओआई. बीओआई क्या है मुझे अभी सिखाना है आपको. लिखो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. आशीष कुमार, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जेवी एंड एसोसिएशन. जेवी विल बी ट्रीटेड एज एन एओपी. हाँ बोलो बेटा. इन इनकम टैक्स देयर इज नो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन. द कॉन्सेप्ट दैट यू लर्न नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट देयर इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कैन फॉर्म दिस, जो सब पर्सन की लिस्ट में आते. दो पार्टनरशिप भी मिलकर जेवी बना सकते हैं, दो कंपनीज भी मिलके जेवी बना सकते हैं. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है ये, पर्सन्स साथ में आ सकते हैं. और पर्सन कौन है? जो इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन में कवर्ड है. व्हेन यू स्टडीइंग इनकम टैक्स फोकस ऑन इनकम टैक्स. व्हेन यू स्टडी समथिंग डेफिनेशन ऑफ पर्सन इन लॉ इट मे बी डिफरेंट. डेफिनेशन ऑफ पर्सन इन फर्म पार्टनरशिप डीड में भी डिफरेंट. पार्टनरशिप एक्ट में भी डिफरेंट. बीओआई आ गया क्या सबका? यस ओके. फिफ्थ एओपी हो गया, बीओआई आ गया. इंडिविजुअल एच एफ एओपी बीओआई फर्म एलएलपी कंपनी. सो दीज आर ऑल पर्सन्स, इन सब पे इनकम टैक्स लगेगा. ऑफ कोर्स इसमें से कुछ कुछ मुझे और एक्सप्लेन करना है डिटेल में. वेट, एजेपी इज आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, ये भी एक्सप्लेन करूंगी क्या है. लोकल अथॉरिटी, लिखा क्या? चलो मुझे एग्जाम्पल बताना. प्रोप्राइटर इंडिविजुअल का एग्जाम्पल क्या है? चंपा. क्या है एग्जाम्पल? चंपा या चमेली. ये इंडिविजुअली आके आपके साथ रिटर्न्स भरना चाहते हैं, दीज आर इंडिविजुअल. सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे बड़ी गलती, लिसन, इफ राहुल स्टार्ट्स अ बिजनेस इन द नेम ऑफ स्टार एंटरप्राइजेस, उसका ट्रेड नेम क्या है? स्टार एंटरप्राइज. रहने दो, क्या भी नाम रहने दो, स्टार एंटरप्राइजेस मतलब ही राहुल और राहुल मतलब ही इंडिविजुअल. स्टार एंटरप्राइजेस मतलब ही राहुल और राहुल मतलब ही इंडिविजुअल. यू आर अ इंडिविजुअल, यू मे हैव अ डिफरेंट बिजनेस नेम, ट्रेड नेम डज नॉट मैटर. बच्चों को लगता है स्टार एंटरप्राइजेस का अलग रिटर्न जाएगा, नहीं. कौन है स्टार एंटरप्राइजेस? राहुल. एंड राहुल कौन है? इंडिविजुअल. अकेला ही है तो किसी भी नाम से बिजनेस करे वो इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर ही माना जाएगा. इंडिविजुअल मेल फीमेल एनी प्रोप्राइटर इज नथिंग बट अ इंडिविजुअल, इज अ इंडिविजुअल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एवरीबडी? ओके. एच यू एफ इज अ फैमिली, फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस. एच यू एफ में भी सेम, फैमिली ने बिजनेस किया, 10 लाख का प्रॉफिट किया. कितना बिजनेस किया? 10 लाख का प्रॉफिट. फाइनली ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स को. फिर से उनको टैक्स देना पड़ेगा. हु विल पे टैक्स? एच यू एफ. और जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा विल इट बी टैक्सेबल?
नो, इट विल बी एग्जम फ्रॉम टैक्स, इट विल बी एग्जम फ्रॉम टैक्स. समझ में आ रहा है क्या? पक्का सबको समझ में आ रहा है? यस. सो पहले कौन है बता मुझे पर्सन की डेफिनेशन में? इंडिविजुअल, एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आई, फर्म, कंपनी, एजेपी, लोकल, एजेपी, लोकल अथॉरिटी. ओके, यस. एओपी का एग्जाम्पल क्या था? नो, हर्षद सर एंड आनंद सर. सो हर्षद सर एंड आनंद सर, दे वॉन्ट टू डू एंड दे वॉन्ट टू कम टूगेदर, बट उनको डीड नहीं बनाने का है, एलएलपी भी नहीं करने का है, फर्म भी नहीं बनाने का है. तो वो क्या करेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. हु कैन कम टूगेदर एंड मेक अ जेवी? एनी पर्सन. एसोसिएशन किसका है? पर्सन का. पर्सन कौन है? इंडिविजुअल, एच यू एफ, एल एल पी, एओपी, बी ओ आई. तो मैम कैन एल एल पी एंड कंपनी कम एंड डू अ जेवी? यस. ये बड़े बड़े जैसे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं, एक इंडिविजुअल कंपनी मैनेज नहीं कर सकते, दो कंपनीज मिलके जेवी बनाती है. देन दे टेक प्रोजेक्ट्स कि ये हाईवे का प्रोजेक्ट किसको मिलेगा, मेट्रो का प्रोजेक्ट किसको मिलेगा. एक अकेला कभी कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता. देन वॉट डू दे डू? जेवी. वेरी वेरी कॉमनली यूज इज एओपी. यू कम टूगेदर टू डू अ बिजनेस. हु कम्स टूगेदर? पर्सन. हु आर पर्सन? इंडिविजुअल, फर्म, एल एल पी, एच यू एफ, कंपनी, बी ओ आई, ऑल दीज आर पर्सन. दे कम टूगेदर विदाउट प्रिपेयरिंग अ पार्टनरशिप, विदाउट प्रिपेयरिंग एन एल एल पी, दे विल बी ट्रीटेड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. समझ में आ रहा है? ओके. बी ओ आई इज ओनली इंडिविजुअल्स कमिंग टूगेदर. बी ओ आई हम खुद से जाके बनाते नहीं है, बाय डिफॉल्ट लॉ उसको बनाता है. जैसे फादर की डेथ के बाद दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है, फादर की डेथ हो गई, कोई विल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया. क्या हो गया? फादर की डेथ हो गई, विल नहीं बनाया, दोनों भाइयों में क्या हो रहा है? झगड़ा. इनकम टैक्स बोलते तुम तुम्हारा झगड़ा चालू रखो, जब सेटल होगा तब होगा, तब तक हम तुम दोनों को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मानेंगे, तुमसे टैक्स ले लेंगे, आपस में तुम तुम्हारा देखते रहो. व्हाई विल इनकम टैक्स वेट? दे विल नॉट वेट. सो दे विल ट्रीट दीज टू ब्रदर्स एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. हर्षद सर, आनंद सर जाके बीओआई फॉर्म नहीं करेंगे. हर्षद सर, आनंद सर जब खुद से वॉलंटरीली प्रोएक्टिवली जाके सोचते कि चलो चलो साथ में बिजनेस करेंगे, साथ में प्लॉट ऑफ लैंड खरीदेंगे, दैट इज अ एओपी. हम एसोसिएशन कर रहे हैं, ये दो भाइयों में एसोसिएशन नहीं है. इनकम टैक्स अपने कन्वीनियंस के लिए विल ट्रीट देम एज अ बीओआई. वेरी रेयरली यूज्ड. फर्क नहीं पड़ता है एओपी बीओआई, सबका टैक्स रेट इज द सेम. आफ्टर द ब्रेक आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टैक्स रेट्स. बट टैक्स रेट सिखाने के लिए ऐसा बोलना जरूरी था ना यार, किसके टैक्स रेट सिखा रही हूँ? इंडिविजुअल के अलग होते हैं, फर्म के अलग होते हैं, कंपनी के अलग होते हैं. फर्म तुमको झेपा क्या? Yes. क्या बनाया आपने? डीड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, एलएलपी फॉर्म्ड एज पर द एलएलपी एक्ट 2008, कंपनी फॉर्म्ड अंडर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. अब एजेपी, artificial person, any person who's not fitting into the above category is going to come treated as AJP. You know, आप कहीं ऐसे गांव में चले गए और वहां पे देखा एक मंदिर है, मंदिर में बड़ा एक हॉल है, लोग उसको रेंट पे दे रहे हैं, वहां पे शादियों के फंक्शन हो रहे हैं, बर्थ सेरेमनी हो रही है, बाकी की कुछ सेरेमनीज हो रही है, रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं, लोग रेंट पे दे रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं. आप जाके उसको पूछते हो, यार ये किसका है? ये सब भगवान का है. किसका है? हमारा कुछ नहीं है. अच्छा, रेंट ले रहा है, ये क्या हो रहा है, किधर जा रहा है? ये हमारा पैसा नहीं है, ये किसका है? बस एक मंदिर ऐसे बोल दिया, आपने बना दिया, चालू कर दिया. तुमने कोई एंटिटी बनाई नहीं, हम बना देंगे. आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, यू आर आर्टिफिशियल पर्सन, पे इनकम टैक्स. क्या कलेक्ट हुआ? रेंट आया, खर्चा माइनस करो, पे इनकम टैक्स. यू विल हैव टू पे टैक्स, यू विल हैव टू पे टैक्स. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. सो भगवान, आइडल्स, अगर कोई ऐसे बोलता है ये हमारा पैसा नहीं है, ये सब भगवान का है,
जनरली अगर आपको लीगली अच्छे से करना है तो ट्रस्ट बना दो. चैरिटेबल ट्रस्ट का अलग टैक्सेशन होता है विच यू आर गोना लर्न इन फाइनल. आप चैरिटी करना चाहते हो ट्रस्ट बनाओ, चैरिटेबल ट्रस्ट. उसका टैक्सेशन कैसे होता है हम कहां सीखेंगे? फाइनल. और आखिरी में आया लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन जो होता है पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. दे कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अस, दे डू एक्सपेंसेस. उनको टैक्स देना या नहीं वो अलग बात है, बट उनको एक अलग पर्सन मान के उनको रिटर्न भरना पड़ेगा. सो हु ऑल आर पर्सन्स फॉर इनकम टैक्स? कम ऑन. इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, फर्म, एल एल पी, कंपनी, ए जे पी, लोकल अथॉरिटी. इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, एल एल पी, कंपनी, ए जे पी, लोकल अथॉरिटी. अब सिर्फ नाम बताए, डिटेल में बहुत सीखेंगे अभी हम. इनके टैक्स रेट सीखेंगे, इनके कैलकुलेशन सीखेंगे, डिटेल में हम सीखने वाले हैं. समझ में आ रहा है क्या? यस. कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस पर टैक्स देगी. कंपनी किसको बिलोंग करती है? शेयर होल्डर्स को. किसी ने बोला था मैम कंपनी का, फिर से बोलो, कंपनी किसको बिलोंग करती है? शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट. लेकिन उस डिविडेंड पे टैक्स लगेगा, उस डिविडेंड पे टैक्स लगेगा. तो मैम टू दैट एक्सटेंट कैन वी से देयर कुड बी डबल टैक्सेशन? यस, स्लाइटली यस, बट अगेन देयर इज अ लॉजिक टू इट जो आपको कब समझेगा, थोड़ा बाद में समझ में आ जाएगा, बाद में समझ में आ जाएगा. इज दैट ओके? चलो लास्ट टाइम, हु इज द पर्सन का डेफिनेशन? कम ऑन. इंडिविजुअल, एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई, फर्म, एल एल पी. इज दैट ओके? एटलीस्ट नाम सुन के कुछ तो. हाँ, ए ओ पी, अच्छा अच्छा आनंद सर, हर्षद सर. पार्टनरशिप फर्म, बी ओ आई, दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है. ए जे पी, भगवान का पैसा है. गुड इनफ. सो यू आर डूइंग वेरी वेल. बीइंग द थर्ड डे यू आर डूइंग वेरी वेल. ओके, यस. सो लेट्स टेक अ ब्रेक. व्हाट वाज योर वन मिनट? इसकी क्या क्वेरी है? कॉर्पोरेशन, लोकल कॉर्पोरेशन, दैट इज द लोकल अथॉरिटी. यस, ओके. सो लेट्स टेक अ ब्रेक. आई विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. ओके. हाँ, यस, इफ दे हैव रेंटल इनकम एंड ऑल दे हैव टू पे टैक्स. एलएलपी एक्ट 2080 है ना? तो ये क्यों बोल रहा है? नहीं मैम वो 7 है. कितनी बार टाइप कर? हाँ हाँ, बिकॉज आई रिमेम्बर 80 है. सीरियल नंबर गलत किया, इसको तो काट डालूंगी मैं. अभी क्या मैं तुमको नंबरिंग सिखा रही हूँ क्या? ओके ओके. अजून काय असतं रे? इडली सांबर असत का? इडली असेल तर आण, नाही तर मग पोहेच आण. सिंगल मिळेल का? सिंगल इडली एकच चालेल. हो,
नहीं वो लेके आएगा बेटा. थैंक यू. हाँ बोल ना. दो पार्टनरशिप अगर जेबी क्या दो पार्टनरशिप में एओपी हाँ तो एओपी क्या दो एओपी टैक्स भर देगी तो फिर आपस पार्टनरशिप क्यों भरना पड़ेगा टैक्स जब शेयर ऑफ प्रॉफिट उनको नहीं भरना उनको नहीं भरना पड़ेगा ना तो पार्टनरशिप तो पार्टनर को भरना नहीं पड़ेगा. हाँ एओपी भर देगी करेक्ट तो उसमें भरना पड़ेगा पार्टनरशिप क्यों भरना पड़ेगा नहीं नहीं एओपी भर देगी. थैंक यू मैम. हाँ कर दे बंद आया के कौन सा वाला है तेरे को ध्यान में तू लाइट्स मत बंद कर ये वाले होंगे ना स्विच देख कौन सा रो एक मिनट ये वाला क्या बीच में सेकंड वाला उसके बाजू में अरे नीचे बीच का रो अरे उसके नीचे देखना उसके नीचे भी दो फैन ये नहीं है कि ये स्विचेस भी है ना ये सब रेगुलेटर के बाजू के मतलब ये फैन के है ना देखो हुआ क्या नहीं देखो पीछा वाला करना है क्या हाँ इधर तो हुआ ना ये तो मैंने जब किया तभी हो गया बहुत ठंडा है ना अभी भी उसने क्या टेम्परेचर रखा है उसको आने के बाद बोलते हैं अपन 24 कर दे तू क्लास क्यों नहीं कर रहा है नीचे आनंद सर की क्लास होगी ना अभी यू इट ना बेटा यस मैम मैं तो घर से आता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं और आ जाएंगे लंच टाइम पे. हाँ इको चल रहा है. हाँ हाँ बोल ना इको खाला मुझे रिस्की है अच्छा पोहेस पर. हाँ जैसा आपने बोला था कि वो पार्टनरशिप फंड से जो इसने प्रॉफिट कमाया तो पार्टनरशिप फंड में उसने टैक्स दे दिया. हाँ जैसे सपोज उसने 5 लाख रुपए कमाए थे दोनों ने अर्न करे थे तो टैक्स काटने के बाद उनके पास
क्या हो गया? तुम टैक्स का आईसीआई का मॉड्यूल देखे है क्या? हाँ, हैव यू सीन द टैक्स आईसीआई मॉड्यूल? हाँ, तो एक बार देख के आना, है ना, देख के आना, फिर मुझसे बात करना, ठीक है? हाउ मेनी मॉड्यूल, हाउ मेनी बुक्स आर देयर? 5. एंड अदर सब्जेक्ट्स यू चेक, सम विल हैव 3, सम विल हैव 2. अंडरस्टूड? सो आवर सिलेबस इज ऑलरेडी डबल, वी आर ऑलरेडी डबल ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. या सो नाउ ऑफकोर्स everybody back, live streaming students, are you back? Yep. Yes, come on, clap your hands and get charged for this session loudly, come on. अब क्या हो गया, 2 hours is almost done. अगर मैं आपको 1.5 घंटे पे छोड़ूंगी ना, फिर वो ये हो जाता है. 2 hours is good enough. पहले stretch कर दो. Now we know that बस, now this is the last 1 hour. वो तो ऐसे निकल जाएगा अभी. अब तो प्रॉब्लम्स करेंगे. बिलीव मी, एक ही चैप्टर है जहाँ पे बहुत थ्योरी है, उसके बाद थ्योरी कॉन्सेप्ट होगा और उसका इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा. सो इट विल बी फन व्हेन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स. ओके? यस. चलो, साउंड इज देयर? आई एम ऑडिबल. अरिजीत, यू चेक फ्रॉम योर एंड, बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग क्लियर. हाँ. अब ऑन है, देख लो. नाउ क्लियर? अच्छा, इट वॉज ऑफ बिकॉज वो ब्रेक पे हमने ये किया था, अभी ऑन है. ऑडिबल? हाँ, पहले बंद था. ठीक है, नाउ इट्स क्लियर बेटा. ओके, पे अटेंशन, सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट. आज का आपका दिन कैसे जाने वाला है? बहुत अच्छा. हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रही है. फूड तो क्या है, आ हा हा हा. खाना कैसा है? यस. क्लासेस कैसी चल रही है? यस. हॉस्टल कैसा है? मज्जा. एवरीथिंग इज मज्जा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. ओके, ये अगेन आई टेल यू, आवर लाइफ इज अ स्कैम. सो इफ यू वेट ना कि बस ये हो जाए फिर मैं खुश रहूंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला. यू हैव टू स्टार्ट बीइंग हैप्पी टुडे, राइट नाउ, फ्रॉम दिस मोमेंट. डोंट वेट कि इंटर हो जाए बस फिर आई एम गोइंग टू एंजॉय. ऐसा नहीं होता है. अभी सीए बनने के बाद भी मुझे संडे की छुट्टी नहीं मिल रही है. मुझे भी नहीं मिल रही, मैं भी आ ही रही हूँ ना आपके साथ यहाँ पे. सो समथिंग लाइक दैट एवरीबडी हैज टू डू. सो लाइफ इज गोइंग टू गो ऑन लाइक दिस. एवरीबडी, यू हैव टू स्टार्ट एंजॉइंग इट फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट एंड वेरी डे. डोंट वेट कि ये होने के बाद है ना आई बी वेरी हैप्पी इन लाइफ. नो, बी हैप्पी राइट फ्रॉम टूडे एंड राइट नाउ. देन यू डोंट नो, आप आर्टिकलशिप चालू करोगे तो आपको कोई खड़ूस प्रिंसिपल मिलेगा, खड़ूस सीनियर मिलेगा, कलीग बहुत परेशान करने वाला होगा, छुट्टी नहीं देगा, क्लासेस नहीं, नहीं कुछ नहीं, आज ओवर टाइम करने का है, रुकने का है, रिटर्न्स भरने का है. यू नेवर नो व्हाट विल हैपन अहेड. फिर आप सीए बनने के बाद कहीं जॉब करोगे तो और खड़ूस वहाँ पे बॉस मिल गया तो क्या करोगे? सो यू रियली डोंट नो. लर्न टू बी ऑलवेज हैप्पी इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर इन. इज दैट ओके? यस. तो मैम संडे को क्लास है तो एकदम स्माइल करके मत जाए. यस मैम, वी आर कमिंग ऑन संडे. ठीक है ना? हाँ. All right, now, ये संडे, अभी क्या आज क्या है? थर्सडे. आज थर्सडे की फ्राइडे? थर्सडे. हाँ ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, देखेंगे. दिस संडे आई माइट गिव यू अ हॉलीडे बिकॉज इट्स द फर्स्ट संडे. दिस इज व्हाट आई वाज जस्ट टॉकिंग यस्टरडे. आई मे कंसिडर गिविंग यू अ हॉलीडे दिस संडे बट नॉट आफ्टर दैट. ऑल राइट. यस, ठीक है, चलो आगे जाएंगे. अब सुनते हैं फिर से, ये एक बार करते फिर टैक्स स्लैब्स मुझे अभी सिखाना है. अभी बस हो गया. अच्छा, बस हो गया मतलब नहीं, थ्योरी अभी बचा है. तो ऐसा नहीं कि थ्योरी मैम आपने ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया अभी रुक जाओ. सिर्फ बिकॉज थ्योरी ज्यादा नहीं हमको लेना एट अ स्ट्रेच, दैट इज व्हाई आई एम स्विचिंग टू प्रैक्टिकल एंड देन वील बी कमिंग बैक टू थ्योरी. हाँ, थ्योरी को थोड़ा होल्ड पे रखेंगे बट फर्स्ट आई जस्ट रीकैप दिस. यस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट. व्हेन यू सिट स्ट्रेट विद स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, एवरीथिंग गोज स्ट्रेट इनटू योर हेड्स. यस, ओके. ऑलरेडी टाइम कम है, क्लास में ध्यान देना है, क्लास को कवर अप करने का टाइम नहीं मिलेगा. जो सीखना है समझना है क्लास में 100% सीखना और समझना है. ओके, सो नाउ हियर, इंडिविजुअल इज एनी पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर. मे ही मे गिव एनी ट्रेड नेम. सी, अगर चंपा बिजनेस स्टार्ट करी है, चमेली बिजनेस स्टार्ट करी, शी कांट पुट द हर नेम ऑन द शॉप. चमेली के नॉट से चमेली, जस्ट चमेली ऑन द शॉप ना. तो आपको एक बिजनेस नेम, एक ट्रेड नेम
सोचना पड़ता है. सो इफ राहुल स्टार्ट्स, क्या बोला रहे, मेरी चमेली, अरे बाप रे चमेली, वो नाराज हो जाएगा. सो नाउ लिसन व्हाट विल हैपन. यू कांट से चमेली जस्ट लाइक दैट, नो. सो आई हैव टू थिंक ऑफ अ नेम, स्टार एंटरप्राइजेस, स्टार बिजनेसेस और एनी नेम दैट यू थिंक ऑफ, एंड दैट्स अ ट्रेड नेम. ट्रेड नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल लिया, राहुल का ट्रेड नेम स्टार एंटरप्राइजेस. तो स्टार एंटरप्राइजेस माने ही राहुल और राहुल माने ही इंडिविजुअल. इज दैट ओके? यस. ना एच यू एफ मैम हमें समझ में आ गया. अफकोर्स ये थियोरी पार्ट फिर से विद एग्जाम्पल लिखवा के लेने वाली हूँ. अभी सिर्फ हमने लिस्ट किया है इसके एग्जाम्पल्स एंड ऑल दैट. वी आर गोइंग टू नोट इट डाउन, नॉट नाउ, टुमारो व्हेन यू गेट द बुक्स. ओके. सो एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. दिस इज अ जॉइंट वेंचर, पीपल हु कम टू गेदर. सो एओपी. बीओआई इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलो, एओपी बोलो, द टैक्स रेट्स आर द सेम. सो इट डजेंट मैटर दैट मच. आई विल वॉलेंटरीली गो. अगर मैं, अगर हर्षद सर और आनंद सर सोचते यार एक प्लॉट ऑफ लैंड है इधर, कंस्ट्रक्शन करते हैं भारी और एकदम अच्छा हॉस्टल बनाते, पूछना आनंद सर और हर्षद सर को, वो बनाने वाले हैं. हाँ, तो उनको बोलना कि ये आपकी जेवी आपका कब चल रहा है, कब होने वाला है. सो बहुत जल्द वो करेंगे. तो वहाँ पे क्या होने वाला है, वॉट आर दे डूइंग, दे डूइंग एंड एसोसिएशन. दिस इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. दिस इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हर्षद सर आनंद सर बोल रहे कि चलो साथ में मिलके बिजनेस करते, दैट्स नॉट बी ओ आई. एसोसिएशन कर रहे हैं हम बिजनेस के लिए साथ में, चलो प्रॉफिट मेकिंग है, इंटेंशनली हम कर रहे हैं कि साथ में मिलके बिजनेस करेंगे, दैट इज एओपी. बट बीओआई इज फॉर्म्ड बाय लॉ कि यार हमें कन्वीनियंस के लिए बीओआई बनाना है. एंड बीओआई और एओपी में एक ही डिफरेंस है, एओपी में देर कैन बी एनी पर्सन एंड इन बीओआई देर विल बी ओनली इंडिविजुअल्स. एंड इन बीओआई देर विल बी ओनली इंडिविजुअल्स. और कोई डिफरेंस है क्या? नहीं. BOI is formed by operation of law. कि चलो फादर की डेथ के बाद दो भाई है, ट्रस्टीज है, और अभी ट्रस्ट का कुछ यू नो लीगल केस चल रहा है. तो या दो ब्रदर्स है, भाई मरने के बाद फादर के डेथ के बाद नाउ देर आर टू ब्रदर्स. सो टू ब्रदर्स आर स्टिल फाइटिंग. तो इनकम टैक्सेस तुम्हारा झगड़ा चालू रहने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम BOI बना लेंगे और हम आपको आपका टैक्स ले लेंगे. देन देर इज फर्म. Firm, LLP we understand, company we understand. AJP is any person who doesn't fit into the above category will be treated as AJP. Generally temples होते हैं, idols होते हैं. अगर इन्होंने खुद का trust नहीं बनाया, trust बनाया तो एक अलग entity बन जाती है. Trust का taxation थोड़ा अलग से होता है. Trust भी एक person माना जाता है. Trust कभी कभी AOP जैसा भी treat किया जाता है. तो इसलिए trust हमने कहीं अलग से mention नहीं किया है. But trust भी एक person है. और टेम्पल्स भी टैक्सेस पे करते हैं, कभी कभी नहीं पे करते. अगर आप चैरिटी करते हो तो कभी कभी इनकम टैक्स बोलता है चलो टैक्स से एग्जम्पशन दे देंगे. क्या दे देंगे? एग्जम्पशन दे देंगे. चैरिटेबल ट्रस्ट हम कहाँ सीखेंगे? फाइनल में. एजेपी इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. किसी ने एंटिटी नहीं बनाई. जैसे गाँव में कहीं जाते हो एंड दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस कि अच्छा टैक्स लगता है, कुछ करना, एंटिटी बनाना पड़ता है. तो बोलते नहीं हमने फॉर्म भी नहीं बनाया, हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनाई, ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है. नो नो, बट यू हैव टू क्रिएट अ एंटिटी. यू हैवंट क्रिएटेड, वी विल कॉल यू एजेपी. वी विल कॉल यू एजेपी. लोकल अथॉरिटी इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. नो, इट इज नॉट नेसेसरी. डोंट मेक योर ओन रूल्स, जय. इज इट नेसेसरी टू हैव ब्लड रिलेशन इन बीओआई? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. ओके. सो समबडी मे बी होल्डिंग दैट प्रॉपर्टीज एज ट्रस्टीज. दोनों जनों को प्रॉपर्टी दी है, उनमें डिस्प्यूट चल रहा है. तो डिस्प्यूट सेटल होने तक वी कैन ट्रीट दोज पर्सन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ओके, इज दैट क्लियर? अच्छा, लेट मी टेल यू, इन इंटरमीडिएट टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हम मेजरली पढ़ते हैं. आपके स्कोप में क्या है? टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. बाकी सबका टैक्सेशन एच यू एफ, बी ओ आई, ए ओ पी, इनके टैक्स रेट सीखेंगे. बट इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, ये सब कब आता है, कहाँ सीखते हैं? फाइनल में. इंटरमीडिएट इज मेजरली टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल. वेरी लिटिल ऑफ फर्म वी डू एट टाइम्स, लिटिल बिट ऑफ फर्म वी डू एट द मोस्ट. बाकी हम किसी का भी नहीं करते. बाकी सबका टैक्सेबिलिटी, कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ होगा? फाइनल में. मेजरली विल बी फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स. ओके, यस.
So now I'll come to the tax calculation. Now listen first. Before I'll come to the tax calculation, you should know that income tax does the working for a year. We do the working for 12 months. अपन working किसके लिए करते हैं? Year के लिए. एक साल के लिए tax देना पड़ता है. पूरे साल का. हम year दो प्रकार के होते हैं. Calendar year and financial year. So year are of two types. One is calendar year and the other is financial year. We follow which year? Financial year. Correct. Calendar year कहाँ से कहाँ होता है? 1st Jan to 31st December and financial year is from 1st April to 31st March. 1st April to 31st March. This is financial year. Income Tax Act follows financial year. We don't follow calendar year. So year. Now you know, chameli aati hai aapke paas. Aap kaun hai? आप कौन है? सीए. सो चमेली आती है, बोलती है यार मेरे को सैलरी अभी जॉब मिल गया है, मुझे रिटर्न्स भरना है. तो तुम बोलते हो हाँ डेटा लेके आ. तो बोलते कितना डेटा लेके आओ? एक महीने का, दो महीने का, छह महीने का? नहीं, तुम बोलते हो पूरे साल का डेटा लेके आओ. ईयरली कैलकुलेशन. इनकम टैक्स डज ऑल ईयरली कैलकुलेशन. तो उसको बोलना अच्छा साल का मतलब जैन टू दिसंबर नहीं, गेट द डेटा फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. इनकम टैक्स फॉलोज फाइनेंशियल ईयर. इस ईयर में और दो प्रकार होते हैं आगे. तुमको पता है? पता है? ओके. सो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या है मैं बाद में बताती हूँ, नहीं तो उसी में टाइम चला जाएगा अपना. टैक्स स्लैब्स और रेट्स कब से पेंड के बता दू. प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बता दू. ठीक है, सुनो फिर. पहले होता है ईयर. ईयर में कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर. कैलेंडर ईयर इज फॉर जैन टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल टू मार्च. अब देखो, एक अप्रैल ओके चमेली आती है, चमेली बोलती है मेरे को अप्रैल में जॉब मिल गया. कहाँ मिल गया? इंफोसिस में. अब तुम उसको बोलते ठीक है तू जो भी है पूरे साल का डेटा रखना, अपन रिटर्न भरने का है. एज अ टैक्स पेयर चमेली तुझे टैक्स भी पे करना है और रिटर्न भी भरना है. एज अ टैक्स पेयर चमेली तुझे क्या करना है? टैक्स भी पे करना है, रिटर्न भी भरना है. ठीक है, भरेंगे, रिटर्न भी भरेंगे और टैक्स भी पे करेंगे. वो डेटा लेके आएगी बेटा 1 अप्रैल 2022 to 31st March 2023. ओके, दिस ईयर इज द प्रीवियस ईयर. मैम कुछ भी है. प्रीवियस ईयर का डिक्शनरी मीनिंग, प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर. इनकम टैक्स एक्ट हमने बोल दिया यही प्रीवियस ईयर है, तो यही प्रीवियस ईयर है. डोंट कम एंड टेल मी अदर एक्ट क्या बोलता है, डिक्शनरी क्या बोलता है. नो 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 नो, ये एक्ट है. हम बनाएंगे, हम डिसाइड करेंगे कैसे करना है क्या नहीं करना है. दिस इज योर एक्ट. सेम यू हैव इनकम टैक्स रूल्स, केस लॉस के. अगर आप केस लॉस पढ़ना चाहो तो ऐसे 13-15 किताबें होंगी ऐसी, जो आप एडवोकेट्स और सीएस के ऑफिस में नहीं होते, हमारी भी ऑफिस में आप आओगे ना तो ब्लैक कलर की ऐसी बुक्स पड़ी हुई है सब. वो क्या है, उसमें सब जजमेंट्स और केस लॉस होती है. नाउडेज ऑफकोर्स ऑनलाइन यू गेट इट, अर्लियर इट वॉज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन. एक्ट आई एम गोइंग टू कीप हियर फॉर अ फ्यू डेज. पहले कुछ सेक्शन तो सीखो, फिर ढूंढेंगे अपन इसमें से, है ना. तो प्रीवियस ईयर. हाँ, तो पहले प्रीवियस ईयर अभी समझते हैं. तो प्रीवियस ईयर मींस द मेन ईयर, मतलब जिस ईयर की अपन बात करें, जो मेन ईयर है ना अपना, उसी को क्या बोला जाता है? प्रीवियस ईयर. द मेन ईयर इज कॉल्ड एज द प्रीवियस ईयर एंड दिस इज द ईयर इन विच यू अर्न इनकम इज अर्नड. दिस इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम. हाँ, अब चमेली आती है अप्रैल में. चमेली रुक ना, अभी साल तो खत्म होने दे. अभी नहीं, 31st मार्च तक है, पूरा ईयर पहले कमा ले आराम से, बाद में रिटर्न भरेंगे. 31st मार्च चमेली कॉल्स अप, आज ईयर खत्म हो रहा है, आओ क्या मैं ऑफिस में रिटर्न ले सब डेटा लेके तुमको भरने का है. सब टेंट आ गए 31st मार्च को तुम्हारे ऑफिस पे. एक दिन में हम कैसा रिटर्न कंप्लीट करेंगे सबका? इज इट पॉसिबल? बिजनेसेस के लिए तो मुझे बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका ऑडिट करना है. ऑडिट भी करना होता है ना, उसको ऑडिट करना है, रिटर्न्स भरने,
सब चेकिंग करना है, वर्किंग करना है, फिर उसके बाद मैं रिटर्न भर पाऊंगी कि नहीं. तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, डोंट वरी, 31 मार्च हो जाने दो, कोई बात नहीं है, इसका रिटर्न कुछ दिनों के बाद भरो. दे हैव गिवन अ ड्यू डेट. क्या दिया है? ड्यू डेट. ड्यू डेट इज दैट डेट व्हेन आई मस्ट फाइल माय रिटर्न. व्हाट इज ड्यू डेट? दैट डेट व्हेन आई मस्ट फाइल माय रिटर्न. अच्छा, तो चमेली 31 मार्च को भी आती है तुम फिर. अरे चमेली तो फिर से आ गई, रुक ना जरा. तू बोलते अरे रिटर्न ईयर खत्म हो रहे थे, खत्म हो गया ना इसलिए आई आज 31 मार्च को. अरे रुक जा, मुझे वर्किंग करना पड़ेगा, तेरा सैलरी का कॉम्प्यूटेशन करना पड़ेगा, टीडीएस कितना कट हुआ है, एडवांस टैक्स का क्या सीन है, रिफंडेड टैक्स है, सब वर्किंग करना पड़ेगा, उसके बाद रिटर्न भरूंगा. बिजनेस वालों को तो कितना टाइम लगेगा अपने को. तो इनकम टैक्स ने ड्यू डेट्स फिक्स करी है. क्या फिक्स करी है? मैम ये किसकी ड्यू डेट है? रिटर्न फाइलिंग. रिटर्न क्या होता है? हाँ, तुमने आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करते वक्त पैसे भी भरे, फॉर्म भी भरा. हाँ, इनकम टैक्स को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए. समझे क्या? यस. फॉर्म का फॉर्मेट सीबीडीटी फिक्स करेगा. सीबीडीटी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाएगा, उसको पास करेगा, फिर सीबीडीटी आएगा. फिर सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह होते हैं कि इंटरप्रिटेशन में इश्यू हो गए तो हम, झगड़ा वगैरह हो गया तो हम सेटल करेंगे. ऐसा डिफाइंड है प्रोसेस पूरा. ठीक है, अब सुनना. ड्यू डेट्स, ड्यू डेट तीन होती है, आपको आज मैं दो ही बताऊंगी. हाँ, मेन दो ही है हमारे हिसाब से फिलहाल. इट्स 31 जुलाई. क्या है? 31 जुलाई, 31 अक्टूबर. ये क्या है? ड्यू डेट. करेक्ट. जुलाई? कौन सा जुलाई? जरा मेरे साथ ये करो काउंटिंग. अप्रैल 22, मई, जून 22, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. ईयर ओवर. अब अप्रैल 23, मई 23, अच्छा ईयर खत्म होने के 4 महीने बाद. क्या समझा? क्या कब? अब चमेली को कब बुलाओगे? 4 महीने बाद. एक भी रिटर्न ड्यू डेट में नहीं जाएगा फिर. हाँ, उसको बोलना 4 महीने का टाइम है, आखिरी के दिन पे मत आना, लेट फी लगेगी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. हाउ मेनी रिटर्न्स यू विल फाइल वन डे ऑन द लास्ट डे? हाँ, आई हैव जस्ट फिनिश्ड. 31 जुलाई वॉज वेरी हेक्टिक फॉर अस. आई एम वर्किंग ऑन दिस नेक्स्ट ड्यू डेट इन माई ऑफिस राइट नाउ. अक्टूबर में रिटर्न है, इसके ऑडिट रिपोर्ट जाएंगे 30 सितंबर को. इसके ऑडिट रिपोर्ट जाता है 30 सितंबर को. सो आई एम वर्किंग ऑन दिस इन माई ऑफिस राइट नाउ. वी हैव फिनिश्ड वन ड्यू डेट. जुलाई वाली डेट हमारी खत्म हो गई 31 जुलाई को. राइट. सो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जहां ऑडिट लगता है, बड़े केसेस होते हैं ना ऑडिट, दैट इज 31 अक्टूबर. उनमें ऑडिट करना कंपल्सरी. कुछ केसेस में सीए का ऑडिट की जरूरत नहीं है, कुछ केसेस में ऑडिट करना पड़ेगा. सब केसेस को क्यों करने का? बड़ा कम केस है, टर्नओवर ज्यादा है तो ऑडिट लगेगा, नहीं तो जुलाई वाला रिटर्न जाएगा. तो जुलाई, तो चमेली को बोलने का रुक जा, मार्च 31 खत्म हो गया, उसके बाद अपने पास अप्रैल. फिर 1 अप्रैल को फोन करते, मेरा रिटर्न. तो बोला अरे रुक ना यार, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. तुम उसको बोलो मई में आ जा तू, अप्रैल का एक ही ऐसा महीना है, कुछ भी ड्यू डेट नहीं है सीए को, मैं जरा घूम के आता हूँ, तुम मई में आना. फिर चालू है, फिर जून से लेके आगे कोई भी हर महीने में ड्यू डेट है, कोई अपने को छुट्टी नहीं मिलने वाली. ऑफकोर्स जीएसटी के रिटर्न्स तो मंथली है ही, बट उतना इज मैनेजेबल है ना. तो ये रिटर्न्स है. तो यहाँ पे चमेली को बोलते हैं रिटर्न भरना है. कौन सी डेट आ गई यहाँ पे? 31 जुलाई 2023. अक्टूबर कौन सा?
अच्छा तो चमेली बोलते अरे ऐसे बोलना तू सिंपल लैंग्वेज में, इस साल में चुपचाप इनकम अर्न कर, अगले साल में आके रिटर्न भर, बरोबर कि नहीं? चमेली बोलते क्या मेरे को बार बार 31 को फोन करने को लगाता है, एक को फोन करने को लगाता है, सीधा बोलो ना एक साल में इनकम अर्न करने का, उसका रिटर्न अगले साल में भरने का। जिस साल में इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जिस साल में रिटर्न भरते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर में इनकम का असेसमेंट होता है, चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, वर्किंग होता है और रिटर्न फाइलिंग होता है। ओ ऐसा है। प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स, अप्रैल 22 टू मार्च 23, 12 मंथ्स अर्न इनकम, सैलरी है ना अर्न करो, उसका रिटर्न अप्रैल से लेके मार्च का, तुरंत 1 अप्रैल को नहीं आने का, टाइम है, अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई, द लास्ट डेट इज 31 जुलाई, दिस लास्ट डेट ऑफ 31 जुलाई कम्स इन विच ईयर, नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अप्रैल से नया ईयर चालू हो गया। इनकम, अरे टाइम चाहिए उतना कम पड़ता है वो टाइम, वर्किंग करना पड़ता है, एक क्लाइंट नहीं है, बिजनेसेस होते हैं, ऑडिट करना पड़ता है, जीएसटी रिकंसिलिएशन करना पड़ता है, टर्नओवर कितना है, टैक्सेस क्या है, सब स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, कंपनी है तो कंपनी एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ता है, इफ आई हैव अ क्लाइंट विच इज अ कंपनी आई हैव टू डू कंपनी एक्ट कंप्लायंस, इनकम टैक्स एक्ट कंप्लायंस, जीएसटी एक्ट कंप्लायंस, आई हैव टू सी एवरीथिंग, ऑल कंप्लायंसेज आर डन और नॉट डन, इट टेक्स टाइम, दैट इज वाई रिटर्न फाइलिंग हैपेंस इन द नेक्स्ट ईयर। अच्छा मैम ने बोला 2 ड्यू डेट्स है, क्या बोला? कुछ लोगों के लिए ड्यू डेट 31 जुलाई, कुछ लोगों के लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर। शायद ऐसा होगा जहां पे टाइम ज्यादा लगता है, बड़ी कंपनी है, बड़ा टर्नओवर है, उसके लिए ड्यू डेट ज्यादा दिया है, टाइम ज्यादा दिया है। डू वी अंडरस्टैंड दैट? ये डिटेल में ये सेक्शन है 139(1), आई एम गोइंग टू टीच यू दैट इन डिटेल, बट राइट नाउ टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट। Is my focus here to teach you due date? No. My focus here is to teach you. हमेशा मुद्दे के बाद मेरी समझा करो, उस मुद्दे को समझाने के लिए मुझे कुछ और समझाना पड़ता है, वो कुछ और डिटेल में आगे हम सीखने वाले, ठीक है? इनकम टैक्स इज इंटरकनेक्टेड, दैट इज वाई इट इज लाइक दैट, ठीक है? सो देर आर 2 ड्यू डेट्स, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच द रिटर्न फाइलिंग इज डन। चलो पहले ये लिख के लो, क्लाइंट तो इतना ये हो जाता ना, ये प्रीवियस ईयर एवाई में उनको समझ में नहीं आता, ये क्या चल क्या, आप एवाई मतलब क्या, पीवाई मतलब क्या, पहले तुम ये लिखो फिर अपन मैं बताती हूँ। राहुल क्लियर, वेरी गुड, सबको क्लियर है, लवली। अतुल मिश्रा, राधे राधे बेटा, ही इज माय प्रीवियस बैच स्टूडेंट, यूट्यूब पे अभी जस्ट गुड मॉर्निंग बोलने आ गया रहेगा, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट ही है ये अभी। Are you numbering your notebook? Yes, as you go ahead, keep on numbering. किसी का numbering छूट गया तो neighbors check, remind each other. Class के AO भी appoint करेंगे, assessing officer. हाँ, checking करने के लिए. We'll appoint AOs now. And then हाँ, every 10-15 days के बाद AO change करेंगे. ठीक है? पहले आने तो होमवर्क तक तो स्टार्ट होने, तो फिर एओ अपॉइंट करती हूँ। लिखो ना जल्दी, हो गया? हाँ, एक मिनट। अरे ये तो इतना तो 4 शब्द तो लिखने हैं यार, इतना लिख के हो गया? हाँ, तो उसके आगे बोलती हूँ कैसा लिखना है। ये लिख के हो गया? नाउ राइट डाउन पीवाई equal to previous year. Will you get definition? Define previous year. We are not in 10th standard school mein nahi hai. We have better questions that will be asked. Okay? PY is equal to previous year. Equal to year in which income is earned.
year in which income is earned. Year in which income is earned. Is that okay? रुको ऐसे नहीं. AY is equal to assessment year equal to मैं कैसे लिख रही हूँ मेरे all equal to sign is below one another. Presentation is neat and clean. My handwriting is आपको पढ़ने आ रहा है ना. हाँ नहीं नहीं मतलब समटाइम्स सम स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड सम वर्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग नो. हाँ ओके. असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड. इन विच रिटर्न बोल दो. रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न इज फाइल्ड. एग्जाम्पल चमेली. चमेली ड्रॉ करने वाले क्या तुम लोग? करने का है करो ड्रॉ चमेली ड्रॉ ना फास्ट. मेरी ड्रॉइंग तो बहुत भारी है. आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ. ओके चमेली वर्क्स इन इंफोसिस. सबने ड्रॉ किया क्या? सबसे बेस्ट मेरी ड्रॉइंग है. किसको? चमेली वर्क्स इन इंफोसिस. ओके नाउ सैलरी फ्रॉम विच डेट टू विच डेट फ्रॉम 1st April 22 to 31st March 23. Okay? एक डेडलाइन और कट ऑफ होना चाहिए कि नहीं? जब इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था आई रिमेंबर माई फादर वॉज टेलिंग मी. माई फादर इज ऑल्सो इन टू प्रैक्टिस सो ही वॉज टेलिंग मी दैट इनिशियली वेन इनकम टैक्स हैड स्टार्टेड ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. मैंने आज बिजनेस चालू किया तो मैं आज से लेके अगले 8 महीने का कोई 6 महीने का रिटर्न भर रहा है कुछ भी मतलब देयर वाज अ कंप्लीट मिसमैच एंड देन दे सेड नहीं नहीं ये नहीं चलेगा. एवरीबडी शुड बी एट द सेम लेवल. तो हर एक ने एक ईयर का रिटर्न भरने का. देन वी स्टार्टेड गिविंग दिस यू नो कि नो यू फाइल रिटर्न टिल मार्च उसके बाद अप्रैल टू मार्च अगले साल उसके अगले साल का रिटर्न उसके अगले साल. करेक्ट? यस. सो सैलरी From 1st April 22 to 31st March 23. इसका ITR, ITR का फुल फॉर्म यस. इसका ड्यू डेट इज 31st जुलाई. कौन सा? पक्का? देखो मार्च खत्म हो जाएगा मार्च 23, फिर अप्रैल 23, मई 23, जून 23, जुलाई 23. माने ITR भरने का डेट कब है? अगले साल. बरोबर? सो यहां पे इस एग्जाम्पल में पीवाई कौन सा है? पीवाई बोलते हैं 22-23 एंड दिस इज द एवाई. एवाई इज अगला साल. एक चीज बोलना देखो ये पीवाई है इधर ही लिख दू क्या? दिस इज पीवाई 22-23 और मुझे बोलो जुलाई 23 कौन से ईयर में आता है? अगले साल में. देखो जुलाई 23 कौन से ईयर में आता है? अप्रैल 23, मई 23, जून 23, जुलाई ऐसे करके दिसंबर 23, जैन 24, फेब 24, मार्च 24. सो इट कम्स इन द नेक्स्ट ईयर. दैट नेक्स्ट ईयर इज एवाई 23-24. इसको क्या बोलेंगे अपन? एवाई 23-24. इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीबडी? यस. सो मैम ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में फर्क क्या है? कुछ नहीं.
हम एग्जाम के लिए, मैं आपको क्या सिलेबस पढ़ा रही हूँ, हर ईयर इनकम टैक्स के रूल्स अलग होते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ रूल्स ऑफ इनकम टैक्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर पीवाई 22-23, मतलब एवाई 23-24. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? 23-24, इज दैट ओके? हाँ अत्तस दे तो डिस्ट्रीब्यूट करतास कर. हाँ अच्छा, किसी को कम, दिस इज अंडरस्टैंडिंग टैक्स प्रैक्टिकली. आई टोल्ड यू नो, आई विल गिव यू दैट कॉपी. लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई विल शेयर अ सॉफ्ट कॉपी विथ यू ऑल. ओके, तो आज लेक्चर में बाद में मैं ऐड कर देती हूँ वो सॉफ्ट कॉपी. ठीक है, अब सुनना. सैलरी अर्निंग फ्रॉम अप्रैल 22 टू मार्च 23, सो ए वाई 23-24. एवरीबडी ओके विथ दिस? पक्का? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अब आते टैक्स पे फाइनली. अब सुनना, पे अटेंशन, नोबडी राइट्स एनीथिंग. ठीक है, अब मैं आपको क्या सिखाऊंगी. अच्छा, क्या हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है? नो, बट वी आर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम थ्योरी एंड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन. यस, नाउ लिसन, नोबडी राइट्स एनीथिंग, जस्ट पे अटेंशन. नाउ लिसन बेटा, टैक्स रेट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. There is an income, जैसे कि पहले मैं आपको ऑफकोर्स ये टैक्स रेट बता रही हूँ, ये किसके बता रही हूँ? इंडिविजुअल्स के लिए. किसके लिए बता रही हूँ? इंडिविजुअल्स के लिए. इंडिविजुअल जैसे सिर्फ चंपा, चमेली, स्टार एंटरप्राइजेस, उसका प्रोप्राइटर राहुल है, या ये जो इंडिविजुअल है उनके लिए मैं बता रही हूँ. बराबर है क्या? यस. अच्छा, बाय चांस इफ एनीबडी डजंट गेट, डू नॉट वरी, वी हैव मोर कॉपीज डाउन, एवरीबडी विल गेट दिस, डोंट बॉदर अबाउट इट राइट नाउ. फोकस राइट नाउ ऑन वॉट आई एम टीचिंग यू. ओके, एक मिनट, अभी डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दो, जस्ट होल्ड इट ऑन, नंतर दे थोड़ा वेयर नहीं. हाँ, होल्ड इट ऑन, जस्ट कीप इट वेयर एवर इट इज, नो डिस्टर्बेंस ऑन दिस. एवरीबडी सिट स्ट्रेट, फोकस हियर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ना, इसलिए ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए. तो फोकस करो ध्यान से. देखो बेटा, इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स बता रही हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग प्लीज फोकस. हाँ देखो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बी ई एल. क्या कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ? बी ई एल, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. इस लिमिट तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक टैक्स देने की जरूरत नहीं होती. एकदम ध्यान से सुनना, इफ एन इंडिविजुअल हुज बिलो 60 इयर्स, यू नो हुज 60 एंड अबव इज कॉल्ड एज सीनियर सिटीजन, हुज 80 इयर्स एंड अबव इज कॉल्ड एज वेरी सीनियर. 80 एंड अबव इज वेरी सीनियर. हेडलाइन में लिखना 60 years and above equal to senior citizen. Equal to sign देने का, एकदम headline लिखो रे जल्दी. 60 years and above, 60 years and above क्या है? लिखो लिखो, 60 years and above, बिटू headline इधर, headline किधर लिखना है? टॉप रेड मार्जिन में लिखना है, मार्जिन में. पहले की अगर ऐसे हो गई रहेगी तो फिर से लिख देना, है ना. 60 इयर्स एंड अबाव इक्वल टू क्या? सीनियर सिटीजन. हाँ, उसके नीचे 80 इयर्स एंड अबाव इक्वल टू वेरी सीनियर सिटीजन. ये देखो ऐसा, 60 इयर्स एंड अबाव क्या है रे? हाँ, इक्वल टू लिखने का, इक्वल टू एट्टी इयर्स एंड अबाव. देखो बट मैं कैसे लिख रही हूँ, वेरी सीनियर. सी, इक्वल टू साइन वन बिलो द अदर, द वे यू राइट, दिखने में वो एकदम अच्छा ये होना चाहिए. द वे इट इज रिटन, द वे इट इज स्पेस्ड आउट, उसे देखने में बहुत आसानी होती है, लर्निंग में भी ईजी होता है वो, पता है. चलो आगे, अब सुनना, मैं पहले बताऊंगी 60 इयर्स एंड बिलो वालों का. ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा. इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, कोई लिखेगा नहीं. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2,50,000. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2,50,000. ओके, कितना है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? 2,50,000. ओके, मतलब क्या? वॉट एवर इनकम, दिस इज योर एनटीआई, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एनटीआई. ओके, वॉट एवर इज योर एनटीआई फ्रॉम 0 to 2,50,000, नो टैक्स, 0% टैक्स. आपको टैक्स रेट्स इजीली कैसे समझेंगे? वन गो में, आई टेल यू वन थिंग, कुछ कुछ चीजों को ना वन गो में समझने का मजा अलग होता है.
व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग इन वन गो ना एकदम बेस्ट लगता है. उसके लिए आपको फोकस करना पड़ता है. द वे आई विल टीच यू इट विल गो स्ट्रेट इन टू योर हेड इन वन गो. ओके नाउ अंडरस्टैंड मैम, ये जो टैक्स लैब्स होते हैं ना, ये लैडर है. क्या है ये लैडर? यू हैव टू जंप. लैडर सिस्टम है. ओके तो ये जो लैडर है, ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से. अगला इनकम, एनी इनकम फ्रॉम जीरो टू 250, द टैक्स इज 0%. सो टैक्स इज जीरो. एनी पर्सन हु हैज एनटीआई फ्रॉम जीरो टू 250,000, टैक्स इज जीरो. बराबर? उसके आगे जा रहे हो अभी आप. नीचे से स्टार्ट करा. कहां से स्टार्ट करा? नीचे से. फर्स्ट अमाउंट, पहला 2.5 लाख पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है. बराबर? फ्रॉम 250 नेक्स्ट जंप ऑन द लैडर 5 लाख्स. जीरो टू 250 का जंप लेना है. मतलब हाउ मच इनकम? नाउ वन मिनट, हियर द टैक्स रेट इज 0%, हियर द टैक्स रेट इज 10, टैक्स रेट इज 5%. आई विल शो यू दिस लैडर एंड देन आई विल शो यू द वर्किंग. नाउ अंडरस्टैंड मैम, इसका लैडर का मतलब क्या है? ये जो लैडर है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. अगर किसी का इनकम 10 लाख है, अगर किसी का इनकम कितना है? 10 लाख, तो वो वर्किंग कैसे करेगा? देखो, वो बोलेगा मुझे 10 लाख है तो मुझे डायरेक्टली यहां नहीं आना है. लिफ्ट नहीं है, ये क्या है? लैडर है. लैडर नीचे से चढ़ना पड़ता है. लैडर कहां से चढ़ना है? नीचे से चढ़ना है. तुम्हारा इनकम 10 लाख है, तुम्हारा इनकम 2.5 लाख है. मैम बीच का इनकम बाद में, पहले नॉर्मल समझो. तुम्हारा इनकम 2.5 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, डायरेक्टली उधर नहीं जाना है. कहां से स्टार्ट करना है? नीचे से, क्योंकि सीढ़ी चल रहे अपन, लैडर है ये. ठीक है? यस. नाउ स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जीरो टू 250 के बीच में कितना जंप किया? हाउ मच इनकम इज कवर्ड फ्रॉम जीरो टू 250? 250. On this 250,000, you will have to pay tax at 0%. So your tax is zero. कितना tax है? Zero. Next, तुम्हें कहां तक पहुंचना है? 10 तक, 10 लाख तक. अब आगे तुम 2.5 तक पहुंच गए. अब इस step से लेके अगला step, between 2,50,000 to 5 lakhs, how much is the income in between? 2.5 lakh और 5 lakh के बीच में कितना इनकम है? कितना इनकम है? 2,50,000. सो यहां इनकम है 2,50,000. ये जो 2,50,000 का इनकम है, इस पे टैक्स का रेट है 5%. कैलकुलेट 250 का 5%, 12,000. कैलकुलेट 12,500. टैक्स का रेट है 12,500. कैलकुलेट कैलकुलेट एवरीबडी, तभी कॉन्फिडेंस आता है. बैठ के देखने का नहीं, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट. ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू पार्टिसिपेट. यू ऑल हैव टू स्कोर वेरी वेल. फिनिश लर्निंग टैक्स विद मी हियर इन द क्लास इटसेल्फ. ओके करो कैलकुलेट. 2.5 लाख पे कितना बेटा? कितना आ रहा है? 12,500. ओके आगे आगे 2.5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना जंप है? 5 और 10 के बीच में कितना इनकम है? 10 - 5, इट इज 5 लाख. ऑन दिस 5 लाख, माने सुनना, अगर किसी का इनकम 250 + 250 + 5, ये कितना हुआ? 10 लाख. 10 लाख के इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 1,25,000. कितना टैक्स देना पड़ेगा? आर यू गेटिंग दिस एवरीबडी? या अगेन लेट्स अंडरस्टैंड. 0 to 250 लैडर समझ लो क्या दिया इनकम टैक्स ने. ये लैडर हम बनाने नहीं आए, बना हुआ है लैडर.
यू कैन से थोड़ा सा एडजस्ट कर दो ना, ये जंप ऐसा इतना करना है. नो, द लैडर इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय इनकम टैक्स. यू हैव टू जस्ट क्लाइंब इट एंड कैलकुलेट द टैक्स. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 250, 250 टू 5 लैक्स, 5 लैक्स टू 10 लैक्स. मैम बीच में आए तो रुको ना, पहले ये नॉर्मल तो सीखो. ओके मैम, माई इनकम इज 5 लैक्स, शुड आई डायरेक्टली गो हियर एट 5 एंड कैलकुलेट एट 5%? नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, नीचे से जाना है अपने को, चढ़ते हुए जाना है. पहले स्टेप आपको जंप करना पड़ेगा 250 तक. 0 to 250, ये देखो, आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 0 to 250. हाउ मच इज द इनकम कवर्ड इन बिटवीन? Yes, so on the first 2,50,000, tax is 0%, so it is 0. The next step is from 2,50,000 to 5 lakhs. 250 to 5 lakhs, kitna income cover hota hai iske beech mein? Yeah, to agle 2.5 lakh ke upar, which is? Agla jump hai 5 lakhs to 10 lakhs. 5 टू 10 लैक्स के बीच में हाउ मच इनकम इज कवर्ड? यस, इन दोनों के बीच में कितना इनकम है? 5 लाख. दिस ऑन दिस 5 लैक्स यू हैव टू पे, विच इज 1 लाख. सो टेक अ टोटल. डिड यू रियलाइज इट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर? एज इनकम इंक्रीजेस, टैक्स रेट इंक्रीजेस. पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 पे 5, अगले 5 लाख पे, और 10 लाख के ऊपर जितना भी कमाओगे 30%. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 2,50,000. लैडर बोलो, चलो 0 to 250, 0 to 2,50,000, 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs. Tax ka and tax ka rate bolo, 0%, 5%, 20%, 0%, 5%, 20%, 30%. Ladder bolo, 0 to 250, 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs and above 10 lakhs. Is the ladder okay? Yes. Ladder mein koi problem hai kya? पक्का? लिफ्ट यूज? प्रेस्टीज पॉइंट में लिफ्ट यूज करना अलाउड? फाइन लगता है? कितना फाइन है? 200, 500? किसने पे किया अभी तक फाइन? बोल के गया, अभी वार्निंग दिया, उनको पता है न्यू बैच स्टार्ट हुई है. हाँ, डोंट यूज द लिफ्ट. ओके, यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्लैब्स? यस. ओके, नाउ मैम लिसन, I'll tell you, एक इनकम बीच का इनकम बोल के दिखाओ कैसे होगा. देखो, अगर किसी का इनकम 6 लाख है, कितना है? 6 लाख. ओके, वन मिनट. फर्स्ट, डिड एनीबडी नॉट अंडरस्टैंड इट? देखो, एक ही चीज समझाने के हमारे पास 3-4 मेथड्स होते हैं. एक होता है लैडर सिस्टम से, एक अलग तरीके से. तो किसी को नहीं समझा तो आप फिर से पूछो, हम अलग तरीके से भी समझाएंगे. वी हैव मेनी वेज ऑफ टीचिंग यू. यस, एनीबडी इज हैविंग डिफिकल्टी ओवर हियर? नो, यू अंडरस्टैंड दिस लैडर सिस्टम? जंप करना है आपको 0 और 2.5 लाख के बीच वाला इनकम, 2.5 लाख, फिर 2.5 और 5, मतलब आपको बीच उतने इनकम पे लेना है, जो डिफरेंस है ना इनकम का, उस पे टैक्स लगाना है. समझ में आ रहा है क्या सबको? ओके मैम, अगर किसी का इनकम 7 लाख से, कितना इनकम है? 7 लाख. आई विल स्टार्ट 0 to 2,50. कितना इनकम कवर्ड होता है? 0 और 2.5 लाख के बीच में कितना इनकम है? 2.5 लाख. मैम इस 2.5 लाख पे कितना? पक्का? मैम 2.5 और नेक्स्ट जंप कहां पे? इसमें बीच में कितना इनकम है? 2 लाख. इस 250 पे टैक्स का रेट वो कितना आया? बरोबर 5 लाख से आगे लैडर तो है 10 लाख का, लेकिन मैंने उतना कमाया ही नहीं. सो आई विल जंप अप टू हाउ मच इनकम? आई टोल्ड यू NTI, आई टोल्ड यू एज 7 लाख. सो वी विल जंप ओनली अप टू, एनीथिंग अप टू बिटवीन 5 एंड 10 विल बी टैक्स्ड एट 20%.
फर्स्ट जीरो टू 250 जीरो. सी ये लैडर है, जो भी इसके बीच में कवर होगा ये जीरो में, जो भी इसके बीच में कवर होगा वो फाइव में, जो भी इसके बीच में कवर होगा वो 20 में, जो उसके ऊपर चला जाएगा वो 30 में. झेप रहा है ना? हाँ. अब देखो मैम, अगर 7 लाख हुआ तो मुझे जंप करना है 5 to 7 तक. बिटवीन 5 and 7 हाउ मच इज द इनकम? 2 लाख. और यहाँ पे रेट कौन सा है? सो ये होगा, सो टैक्स आएगा. तो अगर इंडिया में कोई 7 लाख का NTI होता है, ही विल पे टैक्स ऑफ 52,500. सिर्फ टैक्स है, सरचार्ज अलग, सेस अलग, जो भी है वो मैं अभी सिखाऊंगी एक एक करके. पहले मुझे बेसिक टैक्स सिखाना है. क्या सिखाना है? बेसिक टैक्स. समझ में आ गया क्या? इजी ना? हाँ. ओके, सो फर्स्ट यू राइट दिस लैडर, ऐसा ऐसा ड्राइंग करो, एक गाना लगाओ फटाफट. इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स. कोई गाना लगा रहा है कि नहीं आज की तारीख में? लगाओ ना, इधर कॉर्ड है, आईफोन नहीं चाहिए, कवर निकाल के आ जाओ और अच्छा सा गाना लगाओ. क्या रे, कौन है सिंगर? कौन है? Who sings? हार्दिक. किधर है? कल गाना गाया था क्या उसने? कैसे? अरे वाह. राधा इज डूइंग ए गुड वर्क. राधा क्या लगा रहे रे तू? कल तो नहीं आया. हाँ लैडर ड्रॉ कर रहे क्या? करने का यहाँ, चलो जल्दी करो. ए लगा ना, किसका गाना लगा रहा है? Need it in minutes? Just blink it. Download the Blink It app now. No problem if this is your first class. All lectures are there on YouTube, beta. क्या पता हम भी है कहानियां है कहानी में हूँ पम पर कभी कभी जो आदि लगती है आदि लिख दे तू आदि रह जाने दे जाने दे जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी आदि भर ले तू आदि रह जाने दे जाने दे हम समंदर का एक खतरा है यार समंदर है हम पम पर हो गया. ये हथेली की लकीरों में लिखी सारी है यार
जिंदगी हमारे इरादों की मारी है, है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में यार, इसको ना समझना ही समझदारी है। बैठी कलियों पे तितली के जैसी, कभी रुकने दे कभी उड़ जाने दे, हो गया चले जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू आधी रह जाने दे। डन, बंद कर दे तू गाना भी। है जरूरत से थोड़ी। ओके, नाउ लिसन, व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, दिस वाज द लैडर सिस्टम। आई विल नॉट टेक राइट नाउ, विल नॉट राइट दैट 7 लैक्स, क्योंकि मुझे अभी आपको सीनियर वेरी सीनियर का लैडर सिस्टम बताना है। फिर कल हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप बोलोगे कि बस मैम अभी आ गया, समझ में आ गया, प्रैक्टिस बहुत हो गई। आई विल टेक इनकम बिटवीन 4 लैक्स 3 लैक्स, वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट विल टेक दैट, विल गो अप टू 2 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़, जो भी है हम इनकम लेके बहुत सारी टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। अब लेकिन मुझे आपको एक चीज बताने दो, फर्स्ट टेल मी क्विकली द स्लैब्स, कम ऑन, 0 to 250, 250 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, 0 and above 10 lakhs, 0%, 5%, 20%, बरोबर। अगर मैंने आपको एक चीज बोली कि जो 60 years and above होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीनियर। तुमने हेडलाइन में लिखा ना, 60 years and above को अपन क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन। वो जो सीनियर सिटीजन होता है 60 years and above वाला, उसका BEL है ना, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो 3 लाख होता है। फिर से उसका BEL कितना होता है, 3 लाख, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। एंड लॉजिक इज क्लियर, अप टू BEL टैक्सेस जीरो, टैक्सेस जीरो, अप टू BEL टैक्स कितना है, जीरो, बरोबर। फ्रॉम दैट BEL टू 5 लैक्स, 5%, 5 लैक्स टू 10 लैक्स, अबाउट 10 लैक्स, दिस लैडर इज द सेम, लैडर इज द सेम, ओनली द BEL हैज चेंज टू, ओनली द BEL हैज चेंज टू। कैन यू ट्राई ड्रॉइंग द लैडर, कैन यू ट्राई बिंदास ट्राई करने का, गलती हो गया तो होने दो, एग्जाम में गलती नहीं करने का, इधर जितना गलती करने का कर लो, आई एम देयर टू टेक केयर। क्या क्या, फिर से बोलो, ऊपर आप हेडिंग दो, टैक्स रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन, क्या लिखोगे, टैक्स रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन लिखो, नहीं हेडिंग नहीं, नॉर्मल, तुम नॉर्मल लिखो, टैक्स रेट फॉर सीनियर सिटीजन, और उसका BEL कितना होगा, 3 लैक्स। एंड नाउ मेक द लैडर, टैक्स रेट फॉर सीनियर सिटीजन, अब 10 लाख तक ही पहुंचना है अपने को, और कोई इनकम देखना नहीं है। देखो यहां 10 लाख पे 1,12,500 किया, एक 10 लाख पे कितना टैक्स आया, 1,12,500, come on everybody make a ladder quickly, live streaming students also do it, seriously, try to kar, bindas try karo, ghabrane ka nahi, ye ladder draw karte hain, kidhar se kidhar jump karne ka apne ko, zero se leke kahan tak jump karu, kyun 3 lakhs मैम, क्योंकि BEL सीनियर है ना, उसको थोड़ा बेनिफिट दिया, किसको बेनिफिट दिया, सीनियर सिटीजन को, यार सीनियर सिटीजन को 2.5 लाख की जगह BEL कितना दिया, 3 लाख, कितना दिया, 3 लाख।
करेक्ट. सो यहाँ पे 0 to 3 lakhs, यहाँ पे टैक्स का रेट क्या होगा 0%. अब 3 से लेके आगे जंपिंग कहां तक होगा 5. ये नहीं चेंज हुआ, ये लैडर चेंज हुआ क्या बेटा? नहीं, सिर्फ बीएल को शिफ्ट किया, बाकी का सब इज गोइंग टू रिमेन द सेम. करेक्ट. सो 3 to 5 lakhs के बीच में टैक्स का रेट होगा 5% एंड अबव 5 lakhs to 10 lakhs द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी एंड अबव 10 lakhs द टैक्स रेट इज गोइंग टू बी 30%. अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं मैम. 1,10,000 सही में आ गया, खुद से आ गया तुमको. दिस इज वॉट इट हैज टू बी. यू हैव टू लर्न टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. अच्छा मैम मेरा नहीं आया तो क्या? यू मेक अ मिस्टेक, यू विल लर्न फ्रॉम इट. एंड आई टेल यू, जब हम खुद की गलती से सीखते हैं ना, वो कभी भूलते नहीं है. वी नेवर रिपीट दैट मिस्टेक अगेन. ठीक है, तो जिनको सही आ गया उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जिनको गलती हो गई वो गलती फिर से कभी रिपीट नहीं करते. ठीक है, सो लेट्स सी नाउ. 0 to 3 lakhs के बीच में कितना इनकम है? 3 lakhs. 3 lakhs पे टैक्स का रेट क्या है? सो 3 lakhs पे 0% मंजे टैक्स इज 0. अगला जम्प कहां से कहां है? 3 to 5 में कितना इनकम कवर्ड है? ऑन दिस 2 lakhs. क्यों मैम ये 2 lakhs कैसे आया बेटा? 3 lakhs to 5 lakhs के बीच वाला इनकम कितना है? 2 lakh. बिटवीन 3 to 5 lakhs. सो दिस इनकम इज 2 lakhs. 2 lakhs पे कितनी? सो हाउ मच इज दैट? एक सेकेंड. 5% मतलब 10,000. अच्छा, और 5 और 10 के बीच में ऑन दिस 5 lakhs कितना रे? एवरीबडी गेट्स लैडर सिस्टम रे बाबा. शिव कुमार सबको लैडर सिस्टम मिलता है. सो टैक्स कितना आया? 1,10,000. यही इनकम अगर चमेली जब 10 lakh कमाएगी, नॉट अ सीनियर सिटीजन, शी वुड पे टैक्स ऑफ 1,12,500. बट अगर बाबू राव है 60 years एंड अबाव तो कितना टैक्स आएगा? 1,10,000. सो ऑन 10 lakhs बाबूराव विल हैव टू पे टैक्स ऑफ ओनली 1,10,000. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट बोल रही है यार तुम सीनियर सिटीजन हो, थोड़ा बेनिफिट ले लो, थोड़ा बेनिफिट ले लो. समझ में आ गया क्या? पक्का? एक लास्ट वाला वेरी सीनियर का बताओ क्या? बताओ क्या वेरी सीनियर का बीएल बता दू? यहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट है. एक्सीडेंट स्पॉट मतलब गलती करने का चांस है, तो देखते तुम अवॉइड करते क्या नहीं करते. पहले एक मिनट, पहले यहां तक किसी को डाउट है क्या? पूछो ना यार. एनी डाउट? पक्का? लाइव स्ट्रीमिंग एनी डाउट्स? ओके, नाउ यू विल राइट डाउन टैक्स फॉर राजेश. यस मैम प्लीज चेक माय क्वेरी वंस. राइट इट अगेन ना, ऊपर चला गया चैट में बेटा, फिर से भेज दे. राजेश प्लीज सेंड योर क्वेरी अगेन. टैक्स फॉर हूम वी आर सीइंग? वेरी सीनियर. मैम क्या बता दो? बीएल 5 lakhs. बीएल कितना है? 5 lakhs. हाँ, बिंदास गलती करने का. बाकी सब सेम, ओनली बीएल चेंजेस. अब मत जा. सीरियसली? ट्राई ट्राई अदर्स ऑल्सो ट्राई. या तो 1 lakh है या तो, और अब बाप रे. लिखो बिंदास, गलत हो गए तो काट डालने का, फिर से लिखने का. जितना आप गलतियां करोगे तभी सीखोगे, आप लिखोगे नहीं तो नहीं सीखोगे. यू हैव टू राइट डाउन प्लीज बिंदास. चलो क्या आंसर्स आ रहे आपके? सच्ची में?
सीनियर सिटीजन का एज लिमिट 80 एंड अबव सब कौन है? सीनियर, वेरी सीनियर, सबका 1 लाख है क्या? कोई तो अलग आंसर होगा ना यार, 25,000. तो कुछ एक गलती है, एक्सीडेंट स्पॉट है, देखते हुआ है कि